अदीब डॉक्टर सैयद तकी आप्ती कनाडा ने फरमाई है, लिहाजा इस किताब पर कीनोट डॉक्टर सैयद तकी आप्ती का ही होगा। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान यानी चीफ गेस्ट हैं जनाबे इंद्रेश कुमार जी, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ आरएसएस। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। आप लोग तालियों में जाकर मुझे आज इस बज़्म के सदर आली कत्र मारूफ वकील जनाबे आसिफ आजमी साहब से मैं दरखास्त गुजार हूं कि वो तशरीफ ले आए। आसिफ आजमी साहब, आसिफ आजमी साहब जी, आपने वकील बना दिया, स्कॉलर है, बड़े स्कॉलर हैं मेरे पास। आसिफ आजमी साहब प्रोफेसर, प्रोफेसर आसिफ आजमी साहब, माफ कीजिएगा। मैं दरखास्त गुजार हूँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सदर आली कद जनाब सिराज कुरैशी साहब से कि वो तशरीफ लाएं। डॉक्टर एहसानुल्लाह शुक्रुल्लाही डायरेक्टर पर्शियन रिसर्च सेंटर ईरान कल्चर हाउस दिल्ली से मैं दरखास्त गुजार हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। नंदलाल नीरंग सरहदी के फरजंदे अर्जुमन यानी उनके सपुत्र यानी उनके बेटे मैं दरखास्त गुजार हूँ जनाब नरेश नारंग साहब से। हज़रते गिरामी, समंदरों में मुआफिक हवा चलाता है। आगे आज के मेहमान ज़ीबकार यानी गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब नय्यर अली दजवी साहब आईआरएस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तशरीफ ले आए हैं। हम इस बज़्म की तरफ से उनका इस्तकबाल करते हैं। इस प्रोग्राम के रूह रवां जनाब सैयद तकी आप्ती साहब से मैं दरख्वास्त गुजार हूं कि तशरीफ लाएं। आज के प्रोग्राम में गेस्ट ऑफ ऑनर्स यानी मेहमान एजाजिया प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब सदर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी दिल्ली होंगे। जनाब नय्यर अली रिजवी साहब तशरीफ ले आए हैं आईआरएस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। मोहतरमा कामना प्रसाद जी हेड एचआर पूना टेक्नोलॉजी सेंटर। जनाब नरेश नारंग साहब तशरीफ रखते हैं। आज के स्पीकर्स में मुकर्ररीन में जो नामे नामी हैं वो हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, वन ऑफ द लीडिंग हिंदी स्कॉलर ऑफ इंडिया। डॉक्टर एहसानुल्लाह शुक्रुल्लाही डायरेक्टर पर्शियन रिसर्च सेंटर ईरान कल्चर हाउस दिल्ली। नंदलाल नीरंग सरहदी की फारसी शायरी पर आप तबसरा फरमाएंगे, पर्शियन शायरी पर। प्रोफेसर अथर फारूकी साहब डायरेक्टर अंजुमन तरक्की उर्दू। एडवोकेट खलीलुर रहमान साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और होस्ट और निजामत के फराइज में खिदमत आपकी मैं कर रहा हूँ पैगंबर मोहम्मद। मैं एक शेर सुना रहा था कि समंदरों में मुआफिक हवा चलाता है, मुआफिक फेवरेबल, समंदरों में मुआफिक हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है। नंदलाल नीरंग सरहदी साहब फरमाते हैं कि मोहब्बत में जफा हो। मैं चाहता हूं कि उन्हीं की गजल से मैं शुरुआत करूं इस कुरान की।
वाइस के होते, बहुत अच्छा शेर, हमेशा बज़्म में वाइस के होते परागंदा फजा होती रही है, वफा अपनी फरेबे आशिकी थी, वफा अपनी फरेबे आशिकी थी, जफा उनकी अदा होती रही है, गमे दौरा से घबराए हुओं की, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है, गमे दौरा से घबराए हुओं की शराब अक्सर दवा होती रही है, जफाए गैर की हो क्यों शिकायत जब अपनों से खता होती रही है, जहां पढ़ने गए नीरंग वहां पर गजल पर वाह वाह होती रही है, नीरंग सरहदी साहब, नीरंग नंदलाल नीरंग सरहदी साहब की किताब तामीर बका पे तबसरा फरमाएंगे, मारूफ अदीब जिनका तारुफ एक सूरज को एक चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, मैं दरख्वास्त गुजार हूँ डॉक्टर सैयद तकियाती साहब से कि वो तशरीफ लाएं और इस किताब की बाबत तबसरा फरमाएं और आप उनका इस्तकबाल करें। हम उर्दू में बात करेंगे, कुछ जुमले कुछ अल्फाज दूसरी जबान में भी पेश करेंगे। ममनून हूं सदर महफिल मोहतरम आसिफ आजमी साहब का, इज्जत माब मोहतरम इंद्रेश कुमार साहब की मौजूदगी यहाँ पर इस बज्म को, इस महफिल को चार चांद लगाएगी। जितने भी स्टेज पर मौजूद हैं उनकी खिदमत में मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूं, इस वजह से कि आज हम उस शायर के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं जो अगरचे के तकरीबन 45-50 साल पहले यहां से गुजर चुका इस दुनिया से, लेकिन उसकी याद सदियों तक बाकी रहेगी। सवाल यह है कि नंदलाल नैरंग सरहदी जो 6 फरवरी 1912 को आप जानते हैं कि डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए, 61 साल जिंदगी गुजारी और इस रेवाड़ी में 5 फरवरी 1973 को हार्ट अटैक के बाद गुजर गए। इस बड़े शायर जो दो जबान का शायर है उर्दू और फारसी, ये बड़ा शायर जिसने 1947 में जो महाजिर बनकर आया है यहां पर, जिसको बिरला मंदिर में रखाया गया, जो रेवाड़ी में खालिसा स्कूल में पहले पर्शियन का फारसी का टीचर और उसके बाद उर्दू का टीचर फिर पंजाबी का टीचर रहकर जो मोहब्बत का शायर है, जो इश्क का शायर है, मैं ये बता रहा हूं कि ये काम मैंने क्यों किया। आप जानते हैं कि साधु राम का बेटा नंदलाल नैरंग एक जीनियस है। मसला यह है कि हम अपने हीरोज को पूरी तरीके से दुनिया में पेश नहीं करते। आज आप देखेंगे कि वो शायर जो एक टीचर है, वो शायर जो एक ड्रामा नवीस है, वो शायर वो शख्स जो अफसाने लिखता है, उसका कलाम देखिए,
इन्होंने कहा था, आएगी मेरी याद मेरी जिंदगी के बाद, होगी ना रोशनी कभी इस रोशनी के बाद, मुझको सितम से चरख के हरगिज गिला नहीं। नारंग कह रहे हैं कि दुनिया ने जो किया है उससे मुझे कोई गिला नहीं है, मुझको सितम से चरख के कोई गिला नहीं। आती है याद, आती है याद आदमी की आदमी के बाद। वो हाल होगा बज़्म जहां का मेरे बगैर, जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं आप लोग अगर मेरे साथ रहे, क्योंकि मैं कागजा सामने रखता हूं और आप जानते हैं कि मैंने इस बड़े शायर पर 27 आर्टिकल लिखे हैं, तकरीबन 250 सफात मैंने इसी शायर पर लिखे हैं, और ये कीनोट आपके गुफ्तगु है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया आपने महफिल में जो जाफरान बिखेरा है, मैं समझता हूँ अब ये लोग मेरे से मुतवज्जो हो जाएंगे आपके। तो अर्ज ये कर रहा था, नैरंग शायरी था मेरा मकसद हयात, मालूम क्या हो हाल मेरा शायरी के बाद। ये जो मैंने गजल के कुछ शेर पढ़े, ये मैं ममनून हूं, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल हिज फैमिली हियर। देखिए हमने ये जो बैठे हुए हैं, नरेश नारंग जो टोरंटो में मेरे साथ रहे, यानी हम लोग टोरंटियंस हैं, तो 2 साल ये जानते हैं कि हमने क्या किया, वो अपनी बातें करेंगे। वो नारंग सरहदी जिसने 3,300 शेर तो हमने इनकी किताब में रखे, अगर उनकी कैलीग्राफी देखें, ये जो टाइटल हमने किताब पे लिखा है ये उन्होंने अपने कलम से बनाया था, हमने उसमें सिर्फ रंग भरा है। वो नारंग सरहदी जिनकी पर्शियन पोएट्री पर हमारे इंडियन कल्चर हाउस के डॉक्टर शुक्रुल्लाही विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। वो नारंग सरहदी जो कहते हैं, सुनिए अपने हाथ से लिखा है जो पढ़ रहा हूं, मेरी शायरी मेरी जिंदगी का आईना है, जो कुछ लिखता हूं जज्बात दिल और वाकियात जिंदगी की झलक उससे साफ नुमाया होती है। इस जुमले के लिए, फॉर दिस सेंटेंस आई एम रीडिंग दिस वन, मेरी तमाम लेकिन मोहब्बत जबान को कभी हाथ से नहीं जाने देता। मैं अपनी शायरी में मोहब्बत को कभी हाथ से जाने नहीं देता, मेरी तमाम उम्र खिदमत जबान में बसर हुई। आप देख रहे हैं, जरा दरवाजा बंद कर दीजिए, इफ एनीबॉडी वांट्स टू टॉक दे कैन गो आउटसाइड एंड टॉक प्लीज। ये कर रहा था कि देखिए अपनी इस 1.5 सफ़े के इंट्रोडक्शन में नारंग सरहदी क्या कह रहे हैं। नारंग किसी जबान का शायर हो या अदीब, बिलोंग्स टू एनी लैंग्वेज whether he is a poet or writer, नारंग किसी जबान का शायर हो या अदीब, है मोहतरम हर एक सुखंदा मेरे लिए। तो आप देख रहे हैं कि वो शायर कहता है, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक लिटिल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। कहते हैं, जब तंगदस्त लोगों की मजबूरियों को देखता हूं तो मेरा दिल भर आता है, जब उनके हाल को जानकर मेरा दिल रोता है। किसी की कस्मा पुरसी मुझसे देखी नहीं जाती, अहले जमाना की सितम जरीफी दिल में खलश पैदा करती है। नंदलाल नारंग अगरचे के
تنگ دستی کی زندگی گزار چکے لیکن وہ مہان تھا. ہی واز دا سپر پرسن کہ جس طریقے سے لیکن دنیا نے نیرنگ کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک غزل میں انہوں نے کہا ہے, چمن میں تو نے مجھ کو آشیانہ کس لیے بخشا, اوپر والے سے گلا کر رہے ہیں کہ تو نے مجھے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا. چمن میں تو نے مجھ کو آشیانہ کس لیے بخشا, کسی قابل نہ تھا تو آبدانہ کس لیے بخشا. محبت کی ہے میں نے اعتراف جرم کرتا ہوں. لفظ جرم پہ بحث ہو, محبت کرنا جو ہے جرم ہوا ہے نیرنگ کے لیے. محبت کی ہے میں نے اعتراف جرم کرتا ہوں, گناہ تھا تو مزاج عاشقانہ کس لیے بخشا. نصیبوں میں اگر میرے لیے تھا پستی کا مکی ہونا, کرم سے اپنے جذبے طائرانہ کس لیے بخشا. یہ اتنا بڑا شاعر گڑگاؤں میں ریواڑی میں جس کے کنیکشنز تھے گورنر آف ہریانہ سے, جنہوں نے 9 سے زیادہ میں چیف منسٹر کے لیے لکھی, جس شخص نے بھی کچھ کام کیا اس کے بارے میں پازیٹیو چیز کہی, وہ کہتے ہیں اگر گمنام رہنے کی مجھے تلقین تھی یارب, میرے اظہار کو ذوق ترانہ کس لیے بخشا. How I have become so melodious to produce these verses. اگر تذلیل تھی مقصود میری تیری دنیا میں, جس طریقے سے نیرنگ کے ساتھ دنیا نے آپ کے کیا, I don't think that was fair. اسی وجہ سے یہ دل سے جذبات سے, کیونکہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعری میرے دل کی آئینہ ہے. اگر تذلیل تھی مقصود, اگر مجھے ذلیل کرنا تجھے چاہتا تھا تیری دنیا میں, تو علم و فن کا مجھ کو یہ خزانہ کس لیے بخشا. تو وہ نیرنگ جس نے دیکھیے اس کے جو پوئٹری ہے, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ نند لال نیرنگ بڑا شاعر ہے, کیونکہ اس نے انسان کی عظمت کے بارے میں, ہیومن انسان کے رائٹس کے بارے میں, حقوق انسان کے بارے میں, انسان کی پوزیشن کے بارے میں. آج ان دس ورلڈ میں 40 سال سے باہر رہتا ہوں, وی ہیو پروگرس سو مچ, اتنا ہم بڑھ چکے ہیں لیکن اخلاق میں ہم نیچے چلے جا رہے ہیں. نیرنگ نے 70 سال پہلے کہا, تعلیم کی کمی ہے نا اسباق کی کمی. اسباق یعنی سبق, لیسنس. تعلیم کی کمی ہے نا اسباق کی کمی, ہم میں نہیں ہے شہرت آفاق کی کمی. پوری دنیا جو ہے, پوری دنیا ہم کو جو ہے عزت سے اور شہرت سے دیکھتی ہے. یوں تو ہر ایک چیز ہے ہندوستان میں, لیکن کوئی کمی ہے تو اخلاق کی کمی. دل کی بات کہتا ہے. کہتے ہیں زندگی کو حباب کہتے ہیں. وی ول کال آپ کے اور لائف جسٹ لائک اے ببل بیکاز یو جسٹ لیو ٹوڈے, آج آپ ہیں کل نہیں ہیں. زندگی کو حباب کہتے ہیں اور زمانے کو خواب کہتے ہیں. اپنی شہرت کے واسطے نیرنگ ہم ہر ایک کو خراب کہتے ہیں. آپ کسی سے پوچھ لیجئے وہ کیسا آدمی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, ہندو نہیں سمجھے ہیں, مسلمان نہیں سمجھے, سد حیف کے وہ مقصد ایمان نہیں سمجھے. کیا اہل زمانہ سے میں واقف نہیں نیرنگ, اب تک بھی جو انسان کو انسان نہیں سمجھے. تو جس طریقے کا میسج ہے, جس طریقے کی گفتگو ہے, آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کے طریقے کو نیرنگ نے ہمیں بتایا ہے. کوئی جھک کر سلام کرتا ہے, ظاہراً احترام کرتا ہے, بے غرض آج کل زمانے میں کون کس سے کلام کرتا ہے. شیر کی روانی دیکھیے, فن پر اس پر دسترس دیکھیے, گفتگو کا انداز دیکھیے, درد کے مسائل دیکھیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم یہاں پر. میں اور سنیے, یہ جو شاعر ہے بھکتی کا شاعر, یہ جو شاعر ہے اس کی فکر جو ہے بلندوں طریقے پر ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ سیرت خاص و عام دیکھی ہے,
سیرت خاصوں سب کی طرز کلام دیکھی ہے مجھ کو دنیا نے گو نہیں دیکھا میں نے دنیا تمام دیکھی ہے. آج ان کے کلام کے بعد میں یہ نتیجے پہ پہنچا کہ یقینا نیرنگ ایک ٹیچر, نیرنگ ایک آپ کے رائٹر, نیرنگ آپ کے ایک ایسے اس آدمی خود کہتے ہیں کہ غرق آب شفاف رہتا ہوں. ان کی زبان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرشین کس قدر ہے. یہ پشاور کے ان کے جو استاد تھے عطا اللہ خان, اس کے بعد جو استاد بنے وہ جگنات آزاد کے باپ آپ کے تلک محروم بنے, اور اس کے بعد یہ خود اساتذہ استاد بن گئے. ان کی جو پرشین پوئٹری ہے کہتے ہیں, تو آپ ان کی اسی وجہ سے میں نے یہ کیا ہے کہ آرٹیکلز جو میں نے لکھے ہیں اس میں آئی میڈ کے جو کوئی بھی پڑھ لے تو آسانی سے سمجھے. غرق آب شفاف رہتا ہوں یعنی میں صاف اور پانی اس میں ڈوبا رہتا ہوں, پاک دامن ہوں صاف رہتا ہوں. کچھ تو دنیا خلاف ہے میرے, کچھ میں اپنے خلاف ہے. سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ اپنے دل سے اپنے من سے اپنے آپ کو دیکھیں اور بتائیں کہ آئی ایم رانگ. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس وجہ سے میں نے پڑھا کہ کچھ دنیا خلاف ہے میرے, مگر بڑا جو مصرع وہ ہے کچھ میں اپنے خلاف رہتا ہوں. اس کے بعد سے کہتے ہیں آپ دیکھیے, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جس زمانے میں یہ زندگی کر رہے تھے 13 اکتوبر 1953 گڑگاؤں میں انہوں نے بزم ادب کی بنیاد ڈالی, اور یہ جو آپ لکھ دیکھ رہے ہیں ان ٹورانٹو میموریل سرحدی, نریش اور ان کی فیملی اور ان کی بیٹی نیہا ٹھاکر داس اس میموریل کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ میموریل 1953 میں گڑگاؤں میں بنی گئی ہے. تو اس میں مقام بتا رہے ہیں, اب ایسے دور میں داخل ہوئی ہے زندگی نیرنگ کہ جس میں خدمت اردو زبان مشکل سے ہوتی ہے. 1953 ایک جگہ کہتے ہیں, فرق نہیں کرتے یہ ہندی کا شاعر پوئٹ ہو کبھی ہو یا اردو کا شاعر ہو, کہتے ہیں کسی زبان سے نکلا جو نام شاعر کا, ہر ایک بشر نے, ہر ایک پرسن نے, ایوری پرسن ہر انسان نے, ہر ایک بشر نے کیا احترام شاعر کا. بلندیاں تو ہیں کچھ اور بھی زمانے میں, بہت بلند ہے لیکن مقام شاعر کا. یہ جو بات کہنے والا ہے, یہ جو چیزیں ہیں آپ نے جو کام کیے ہیں انہوں نے, ان کے پاس آئیڈیا تھا. جیسے اس ریواڑی میں جو بستی میں رہتے تھے ایک نل تھا, اور اس نل پر لوگ آ کر پانی جمع, وہ خراب ہو گیا. تو آپ دیکھیے میونسپلٹی کو جو لکھتے ہیں 12 لائن کی جو پوئٹری ہے اس کے دو تین چیز سنیے. ایک نل ہے محلے میں, بڑی شان تھی اس سے, پانی سے تر و تازہ ہر ایک جان تھی اس سے, آتے تھے جہاں 60 گھڑے چاہے زخن کے, یعنی چاہے زخن یعنی ڈمپل والے جو ہیں. پہلے 60 آتی تھی لڑکیاں جن کے پاس ڈمپل تھے, جن کے پاس چاہے زخن کہتے ہیں کہ وہ خوبصورتی سے جو چہرے پر جو ڈمپلس ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ آتے تھے جہاں 60 گھڑے چاہے زخن سے, آئے ہیں وہاں 7 گھڑے غنچا دہن کے. یعنی کم آ رہے ہیں لوگ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو جاتا ہے ایک لفظ ہی پانی کا خسارہ, ایک دم پانی بند ہو جاتا ہے اور دم توڑتا ہے ہچکیاں لے کے بیچارہ, اور نلکا جو ہے ایسا ہچکیاں لیتا ہے, کبھی ایک ڈراپ آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے. ہے اتنی گزارش کے توجہ کوئی دم ہو, پانی کی مصیبت تو یہ فیل فور ہم. اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ within 3 days نیرنگ کے کہنے پر آپ کے وہ نل بنتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں غریبوں کا شاعر ہے, مزدوروں کا شاعر ہے, آزادی خواہوں کا شاعر ہے. آج تک میں نے جتنی بھی 74 کے قریب کتابیں لکھی ہیں, کسی شاعر نے اتنا بھارت پر نہیں لکھا جتنا اس نے لکھا. میں نے تقریباً 13 آپ کے جو ہے آرٹیکلس لکھے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ان کے پاس جو نظمیں ہیں گاندھی جی پر, ان کے پاس جو مرثیہ ہے پنڈت نہرو کے مرنے پر,
इनके पास जो लाल बहादुर शास्त्री पर मरसिया है, इनके पास जो राजा हंस पर मरसिया है, इनके पास जो आपके पूरी उस जमाने के लोगों पर वीरेंद्र सिंह पर आपके कम से कम 5-6 नज़्में हैं, उसी तरीके से आजादी खाहों पर जो बातचीत करते हैं और करते हुए, और हमारे पास कितने साफ तरीके से कहते हैं हिमालय सा पर्वत, इस नज्म का उन्वान है हमारा हिंदुस्तान। हिमालय सा पर्वत जहां पासपा है, पासपा यानी आपके जो है संतरी जो प्रोटेक्ट करता है, हिमालय सा पर्वत जहां पासपा है, जहां आपे गंगा वो जमुना रवा है, जहां जलवा अफसा तिरंगा नशा है, जो गांधी की भूमि जवाहर की जां है, करोड़ों अनादिल, अनादिल यानी बुलबुलें, करोड़ों अनादिल का जो आशियां है, हमारा वही देश हिंदुस्तान। मैं शेर सुना रहा हूं आपको, रवानी बता रहा हूं, ये शायर की आपके जो है किस तरीके से गुफ्तगू करते हैं, बहारों से बेहतर जहां की खिजा है, हमारा वही देश हिंदुस्तान है। मैं सिर्फ आखिरी शेर पढ़ा हूं, जिसे लोग कहते हैं जन्नत निशान, कल मैं आमिर खुसरो पर बात कर रहा था, गालिब इंस्टीट्यूट, मैंने बताया टीएस इलियट कहता है कि आज तक किसी शायर ने अपनी भूमि के बारे में उतने शेर नहीं कहे जितने अमीर खुसरो ने कहे, और अमीर खुसरो पहला शायर है जिसने आपके जो है इस जमीन को जो है जन्नत निशान कहा है। वो शेर लेते जाइए आज की इस वजह से कि 800 साल पहले यह शेर कहा गया है। हमारा सादी का शेर तो लिखा हुआ है फारसी का, जनाब डॉक्टर शेर सादी नविश्त शुदे द यूनाइटेड नेशन में सादी का शेर लिखा हुआ है, लेकिन हमारे खुसरो का शेर नहीं है, खुसरो का शेर क्योंकि हमने प्रेजेंट नहीं किया। सुनाऊं आपको खुसरो का शेर जो 750 साल पहले ह्यूमैनिटी पर है। मेगू मर्द सत कुछ आमदर नबर, ऐ शख्स ऐ मर्द मत कहे कि मैंने जंग में 100 लोगों को काट के फेंक दिया। मेगू मर्द सत कुछ आमदर नबर, ये की जिंदा कुन तात होनन मर्द, तू एक मरते हुए को तो बचा ले तो मैं तुझे मर्द कहूंगा। तो ये 700 साल पहले इस देश का आदमी अमन की बात करता है, हुर्रियत की बात करता है, द पावर ऑफ पर्सन की बात करता है, टू प्रोटेक्ट द ह्यूमैनिटी इज आपके जो है मैनहुड, वही मर्दानगी है कि मरते को बचाया जाए। तो वो आपके जो है क्या कहते हैं वो शायर, उसकी कॉपी यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरीके से ये गुफ्तगू करता है नैरंग, और नैरंग आगे करके कहता है, तो नैरंग की जिंदगी बहुत तंग दस्ती में थी। देखिए सबसे, मैं 40 साल से शेर कह रहा हूं, सबसे बड़ी आरजू शायर की ये होती है कि उसका शेर सुनो। नैरंग की जिंदगी में नैरंग का कलाम, नैरंग की पोएट्री कभी शाया नहीं, और ये बताएंगे नरेश अपने मुंह से कि क्यों कोई शायर किसी से नहीं कहा, लेकिन वो जो उनकी बीवी थी, उनकी जो वाइफ थी, वो बड़े घर की थी, लेकिन इस मुफलिस के घर में आई, तो मैंने मदर्स डे के दिन टेलीफोन किया नरेश को, अभी 2 साल पहले, कहा नरेश तुमको मालूम है कि तुम्हारे बाप ने मरने से तकरीबन 1 साल 4 महीने 8 महीने पहले तुम्हारी माँ के लिए एक नज्म कही है, और तुम्हें मदर्स डे पर सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहा हूं, उसके चंद शेर सुन लीजिए कि ये शायर जो अरब जो फारसी और उर्दू का शायर है, ये शायर जो इतना है कहता है, ऐ मेरी मोनिस मेरी हमदर्द मेरी गमगुसार, शायद सुनाया भी ना होगा लेकिन हम 50 साल के बाद उनकी आत्मा को सुना रहे हैं। ऐ मेरी मोनिस माय फ्रेंड मेरी हमदर्द मेरी गमगुसार मेरे गम में शरीक, जीनते काशान नए जुलमत मेरी फर्श यार, तू मेरे घर की जीनत है, यू आर द आपके जो है मेरे घर की जो है जेवर की तरह जेमत है, जुल्मत में मेरी बदबख्ती पे तू दायम रही है अश्कबार, तू जब कभी भी मेरी बदबख्ती देखती थी तो तेरे आंखों से आंसू निकलते थे, तेरे दम से है खिजा में भी मुझे लुत्फे बहार, लेकिन तुझको देखकर मुझे खिजा के उसमें भी आपके बहार का मौसम होता था, गो जबां खामोश है लेकिन दिले एहसास है, अगरचे कि मेरी जबान बंद है लेकिन मेरे दिल का ये एहसास है, मेरे हर लफ्ज़े तमन्ना को तेरा पास है। मैं इस वजह से सुना रहा हूं कि ऐसी नज़में उर्दू का शायर, क्या कोई शायर कहता ही नहीं अपनी बेगम के लिए। अर्ज किया गो ज़बा खामोश है लेकिन दिले एहसास है, मेरे हर लफ्ज़े तमन्ना को तेरा पास है, और मेहमान खुसूसी हमारे इज्जत माँ बैठे हुए हैं, देखिए क्या कह रहा है ये शायर। कहता है कातिबे तकदीर ने
की सादगी तुझको अथा, मुझको फितरत ने बनाया शायरे रंगी नवा, क्या खबर थी जिंदगी गुजरेगी इस जिल्लत के साथ। वो बताएंगे ये कि जिल्लत क्या थी, कितनी मुश्किल तंगदस्ती थी, क्या खबर थी जिंदगी गुजरेगी इस जिल्लत के साथ, तेरी भी किस्मत है वाबस्ता वो मेरी किस्मत के साथ, मैं सरापा सोज हूं, आई एम फ्रॉम हेड टू टो इस पेन, मैं दर्द का मुजस्समा हूं, मैं सरापा सोज हूं और तू सरापा साज है, तुझको मुझ पर हो ना लेकिन मुझको तुझ पर नाज है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ हम लोग कितने में से हैं जो अपनी बीवियों को, जो अपनी वाइफ्स को जो है इस तरीके का आपके जो है वो करते हैं, कहते हैं फिर मेरे हर दर्दो गम में तू मेरी दमसाज है, मेरे हर एक शेर की लय में तेरी आवाज है, रंगे उल्फत भर दिया है तूने हर एक हरे तस्वीर में, देखता हूँ तुझको पिन्हा शेर की तासीर में। कहते हैं मैं जवाहरात तो नहीं दे सकता, मैं सोने और चांदी के जेवर तो तुझे नहीं पहना सकता, लेकिन मैं शेर में कुछ दे सकता हूँ, सीमो जर से है ज्यादा शेर की दौलत मेरी, ये चांदी और सोने के जो गहने हैं उससे बेहतर ये नज्म है, आफ्टर 55 इयर्स वी आर रिसाइटिंग दिस पोएम, खदरदानों में है अभी इज्मत अजमत और शोहरत मेरी, इसकी अजमत यह है नारायण की कि हम बैठे हुए आज 1100 सफे की किताब पे बात कर रहे हैं जो हमने नारायण के लिए लिखी है, अहले दानिश के दिलों में है सिवा इज्जत मेरी, द एजुकेटेड पीपल विल नो कि मेरी क्या हैसियत है, पूछिए अहले अदब से आज भी कीमत मेरी, आप जो लोग अदब जानते हैं पोएट्री जानते हैं उनसे पूछे कि मेरी कीमत क्या है। ये शेर लेते जाइए, आप लोगों को मैं मुतवज्जो कर रहा हूँ, क्या शेर कह दिया, इसको मैंने आपके टाइटल बनाया है अपने आर्टिकल, सीमो जर का चांदी और सोने का शायरी से एक फितरी बैर है, शायरे हिंदुस्तान होना खुदा का खैर है, ये शायरे हिंदुस्तान, अब वो शायर हिंदी का हो उर्दू का हो तेलंगी का हो, यहाँ पर आपके शायर को रोटी नहीं मिलती, खुदा का खैर है, ये दिल से निकलते हुए है। तो अब जो है ये सावित्री जैसी जो बड़ी आपके जो है अरबिंदों ने जो आप लिखी, आप और हम वाकिफ हैं, लेकिन इन्होंने अपने कलाम में 96 आपके वर्सेस में जो सावित्री पर लिखी है, सावित्री के देखिए कितनी खूबसूरती से कहा है, तीन शेर सुन लीजिए, ये अहद सलफ की है एक दास्तां के था वारिस तख्त हिंदुस्तान, तबीयत में था जौहरे रास्ती उसे लोग कहते थे इश्वापति, हवन की पवत्तर जलाता था आग वो गाता था उस पर सावित्री का राग, अचानक उस आतिश से एक महलखा, महलखा यानी चांद का टुकड़ा, नजर आई राजा को और ये कहा तुझे हक से बख्शी गई बर्तरी, तेरे घर में आएगी सावित्री, यही था दुआओं के उसके असर के लड़की से रोशन हुआ उसका घर, थी पाक और मनजा ख्यालात में लिया खस शराफत इबादत में। तो मैं जो क्रिटिक करते रहता हूँ शायरी पर, मैं जानता हूँ कि व्हाट ए ब्यूटीफुल पोएट्री दिस इज, तो वो पढ़ने की, तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि नारंग की जो गुफ्तगू है, नारंग जिस तरीके से बात करते हैं, कभी जाकर जामे मिलिया में, कभी जाकर 1968 में, कभी जाकर वहां पर जो मुसलमानों की जो ईद बकरीद है उस पर पूरी नज्म पढ़ते हैं, पूरा एक आर्टिकल मैंने लिखा है, कभी जाकर निजामुद्दीन औलिया में नात पढ़ते हैं, कभी जाकर आर्या आपके जो है समाज के मंदिर में आपके जो है वो गुफ्तगु भक्ति की करते हैं, तो ये जिस तरीके से इनकी वो है, आप मैंने बताया आपको कि अब्दुल गफ्फार खान और ईद ओ मिलन पर इनकी गुफ्तगू है, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ तकरीबन इस वजह से कि वो तो 1100 सफे हैं, अगर आप जहमत न करें, आई हैव रिटन 27 आर्टिकल, मैं बहुत कम शायरों पर 5 या 6 से ज्यादा आर्टिकल लिखता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि ये मेरा फर्ज है कि ये जो इतने बड़े शायर के साथ हमने नाइंसाफी की है, सवाल ये उठाना चाहता हूँ कि क्यों हमने गफलत की, हमने क्यों गफलत की, क्या इनके जो रिलेशंस हैं, आप जाइए देखिए कि कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कोई दीवार को साफ करवा रहे हैं, कभी आपके जो है हिंदू हाई स्कूल में जब गवर्नर आते हैं तो उनसे कहते हैं आप देख रहे हैं कि इसमें जगह नहीं है, इसमें आप एक हॉल बना दीजिए, वो पोएट्री पढ़िए, और उसके बाद हॉल बनाया गया, लेकिन उसी स्कूल में
एक फोटो भी आज नैरंग सरहदी की नहीं, वो शायर जो ह्यूमैनिटी का शायर है, वो जो उर्दू और फारसी का शायर है, वो जो इन बच्चों के लिए ट्यूशन पढ़ाता है, वो शायर जिसने कभी अपना हाथ किसी के सामने नहीं फैलाया और ये बताया कि देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, उस शायर के साथ हमने गफलत क्यों की। वो शायर जो मोहब्बत का शायर था, मैं ममनून हूं आपका, हमारे इज्जत माँ आप तशरीफ लाए हैं कुमार साहब, कि आपके हम शुक्रगुजार इस वजह से भी हैं और आप सबके शुक्रगुजार हैं, स्टेज पे बैठे हुए हर शख्स का मैं शुक्रगुजार हूं। लेकिन मेरी ख्वाहिश यह है, जब इनको हिजरत कर कर आए तो उन्होंने एक नज्म लिखी, सुनाए किसे जाके अपनी जबां से, निकाले गए किस तरह हम मकान से, अभी याद ताजा है अपने चमन की, अभी उड़ के पहुंचे हैं हम आशियां से, नहीं जानते हम किधर जा रहे हैं, नहीं ये भी मालूम आए कहां से, करें फिर से अफसाने गम बयां हैं, जहां से कहें हम सुनाए वहां से, पता पूछने वाले अहबाब सुन लें, हम आगाह करते हैं अपने नशा से, तकालीफ और जहमत से बच के नैरंग रेवाड़ी में पहुंचे डीआई खास। देख रहे हैं आपके जो है गुफ्तगु जो हो रही है, देख रहे हैं किस तरीके से, तो जरूरत इस चीज की है, जरूरत इस चीज की है कि हम एक छोटी सी रोड रेवाड़ी में इनके नाम है, मगर जिनकी वजह से स्कूल में तौसी हुई, जिनकी वजह से रेवाड़ी में तरक्की हुई, जिनकी वजह से वो कहते हैं मैं स्कूल में बच्चों की तालीम देता हूं, और यहां पर 3280 शेर इस किताब में मौजूद हैं। गजल हो के, ये गजल के शायर, गजल हो के मसनवी हो के कता हो के रुबाई हो के मसन, वो परफेक्शन है उनके पास, और मेरी नजर में बहुत बड़ा शायर है। एक शेर पर उन्हें तज़मीन की, वो लेते जाइए क्योंकि दूसरों को भी कहना है, जिससे ना बुझे तश्नगी, जिससे आपकी थर्स्ट कम नहीं होती, जिससे ना बुझे तश्नगी है हजरत नैरंग, उस सागर में वो वाइन कप को, उस सागर में को कभी सागर नहीं कहते, और काबे में मुसलमान को कह देते हैं काफिर, बुतखाने में काफिर को भी काफिर नहीं कहते। देखा आपने बात करने का अंदाजा, देखा आपने बात करने का अंदाजा, तो ये तो अर्ज किया है कि कहते हैं कि ये ऐसे शेर क्यों सात बयाजों में। मैं यहां पर इनकी बेगम सुनीता नारंग को सलाम करता हूं। कहां है सुनीता, वेर आर यू, ये देखिए, सुनीता ने जब यहां से माइग्रेट करके कनाडा आई तो अपने खुसर को, जिसको उन्होंने कभी नहीं देखा नैरंग को, ठीक है, किताबें उनके जितने भी किताबें थी, सात बयाजें वगैरह, वो सब लेकर आई, वहां अपने दिल से लगा कर रखा, और दो तीन साल पहले मुझे नरेश ने आपके दिया, और मैंने दो साल कर ये किताब जो आपके सामने पेश की। मैं आपको सलाम करता हूं, आप जैसे लोगों की वजह से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। 3280 शेर इसमें मौजूद हैं। तो वो नैरंग जिसने कहा था देखिए कि वही आवाज हकीकत है जो दिल से निकले, वही आवाज हकीकत है, यानी रियल टॉक जो है वो है जो दिल से बात करे, लब से निकली हुई भी आवाज तो आवाज नहीं। अर्श से दूर अगर तेरी तगो तास नहीं, इफ यू कैनॉट गो आपके ओवर दिस स्काई, तू तो गुंजिश है, यानी तू तो छोटी सी चुड़ी है, शहबाज नहीं, यू आर नॉट द वल्चर। तो वो कहने वाला ये बड़ा आदमी जिसके लिए गुफ्तगु होगी, और मैं एक छोटी सी गुफ्तगु किया हूँ, 200-250-300 सफ़े हमने इसमें लिखे हैं, आप लोग उसका मुतालिया करेंगे। सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं सुनीता नारंग आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ,
नरेश आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम यह हुस्ने यूसुफ को इस वक्त इस कुएं से निकाल कर बाजार मिस्र नहीं बल्कि दुनिया के तमाम बाजारों में पेश करेंगे। थैंक यू। नंदलाल नेरंग सरहदी की शेरी मजमुए पर निहायत खूबसूरत और निहायत मुरस्सा तबसरा फरमा रहे थे मारूफ स्कॉलर जनाब तकी आब्दी साहब। हाजरीन गिरामी, आज के इस प्रोग्राम के सदर आली कदर हैं आली जनाब आसिफ आजमी साहब और आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं आली जनाब इंद्रेश कुमार जी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ आरएसएस। बहुत खूबसूरत तबसरा पेश किया, एक पोएटिक कंप्लेंट भी बताई कि एक चाहे जफन नल की शिकायत, एक मंजूम शिकायत उन्होंने की। और हमारे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सदर आली कदर सिराज कुरैशी साहब भी तशरीफ रखते हैं। एक और कंप्लेंट मैंने उनके किताब में पढ़ी, वो फरमाते हैं कि काबिले आज या जितने भी शेर पढ़ूंगा वो नीरंग सरहदी साहब की ही काबिले अजमत खुसाज खुदाई तो रहे, काबिले अजमत खुदसाज खुदाई तो रहे, न हो गर ये भी तो फिर शान गदाई तो रहे, काम करने के मेरी जान बहुत है लेकिन हम ये चाहेंगे मोहल्लों में सफाई तो रहे। तकी आब्दी साहब ने फरमाया कि नीरंग साहब ने निजामुद्दीन में नात पढ़ी, बकरीद में मुस्लिम के साथ एक उनके हवाले से नज़्म पढ़ी। वो खुद अपने बारे में ये कहते हैं कि हिंदू हूं ज्यादा न मुसलमान ज्यादा, हिंदू हूं ज्यादा न मुसलमान ज्यादा, न कायल नाकूस न अजान ज्यादा, मैं दामे मजाहिब में नहीं उलझा हूं नीरंग, मैं दामे मजाहिब में यानी रिलीजियस जाल में मैं नहीं ज्यादा फंसा नहीं उलझा हूं नीरंग, इंसान मुझे समझे है इंसान ज्यादा। मैं एक और मुहर्रिज को सहमत दूंगा, मैं दरखास्त गुजार हूँ मोहतरम प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी वन ऑफ द लीडिंग हिंदी स्कॉलर ऑफ इंडिया। आज के लिए मुझे मुंतजमीन से यह हुक्म मिला है कि मुकर्ररीन को यानी स्पीकर्स को 3 और 5 मिनट 3 से 5 मिनट का दिया गया है। शुक्रिया श्रीवास्तव साहब का इस्तकबाल। आज की सभा के मुख्य अतिथि हमारे देश के राष्ट्रवादी चिंतक माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी, सभा की अध्यक्षता कर रहे मेरे मित्र आसिफ आजमी, मंच पर उपस्थित अन्य विद्वत्जन, देवी और सज्जनों, बहुत अच्छी बातें की अभी डॉक्टर साहब ने, उन्हीं की वजह से हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। डॉक्टर सैयद तकी आबिदी साहब ने, मुझे अच्छा लगता है दूर देश में बैठा एक आदमी भारत में जिनको हमने भुला दिया ऐसे लोगों पर काम कर रहा है। पीछे बाल मुकुंद बसर बेसब्र पर उन्होंने एक अच्छी किताब तैयार की थी, बड़े शायर थे और काफी काम किया था, अभी उन्होंने ये काम किया और वहां से चले आते हैं, बात करते हैं बार बार। आज मैं बहुत आने की स्थिति में नहीं था लेकिन उनका इतनी बार फोन आया कि मुझे लगा कि चलना ही चाहिए। हम 10 कदम से अगर ना आ सके तो बुरा लगेगा, एक आदमी दूर देश से चला आया है सिर्फ इस वजह से। वो पेशे से डॉक्टर हैं, वो हमारी तरह साहित्य के प्रोफेसर भी नहीं है, उर्दू हो हिंदी हो अंग्रेजी हो किसी का भी हो वो साहित्य के प्रोफेसर भी नहीं है। वो आ गए हैं। ये किताब का जो नाम है तामीरे वका, अगर इसका हिंदी में मैं अनुवाद करूं तो एक तरह से अमरत्व का निर्माण, अमरत्व का सृजन, अमरत्व की खोज, कुछ इस तरह का आप
कुछ बना सकते हैं। तो किताब का जो नाम है वो इस तरह से, मूल चीज ये है, मैं चूंकि 2 से 5 मिनट की बात है, मैं कहना ये चाहता हूं कि एक ऐसे समय में जब हम भारतीयता की खोज कर रहे हैं, एक ऐसे समय में जब हम भारत को फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए, ऐसे कवियों की ओर लौटना चाहिए जिन्होंने भारत को, भारतीयता को, हमारी भावनाओं को ठीक से व्यक्त किया है। और ये नारंग साहब एक ऐसे शायर हैं, एक ऐसे कवि हैं, जैसा कि आब्दी साहब अपनी तकरीर में बातें कह रहे थे। देखिए, मैं उनकी नज्मों की बात करूं, किनको लेकर उन्होंने नज्में कही हैं, जो कविताएं की हैं, गुरु नानक को लेकर उनकी एक नज्म है, एक नहीं बल्कि 2 से अधिक नज्म है, अहिंसा पर है, महावीर स्वामी पर उनकी नज्म है, महर्षि दयानंद पर उनकी नज्म है, गुरु गोविंद सिंह पर उनकी नज्म है, गांधी जी का जिक्र आया, उन पर कई नज्में हैं, भारत को लेकर, जैसा वो कह रहे थे, भारत को लेकर के कई नज्में हैं, और उसमें कुछ में तो ऐसी पंक्तियां हैं कि एक ऐसे समय में जब हम नए भारत की बात कर रहे हैं, नए भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, वो पंक्तियां उद्धृत करने लायक है। कैसे हमें देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है, कई बार तमाम कारणों से, तमाम वैचारिक प्रभावों के कारण, तमाम सांस्कृतिक प्रभावों के कारण, हम अपने को कमतर समझने लगते हैं, एहसासे कमतरी का जो मुहावरा है, शिकार हो जाते हैं। कई बार ऐसे शायरों की ओर जाने से हमारे भीतर से वो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भाव है वो दूर होने लगता है। इसलिए भी इस शायर को पढ़ना चाहिए, बहुत सारी बातें उन्होंने की। सबसे अच्छी चीज ये लगा कि देखिए ना, जब भी प्रेम का जिक्र होता है तो उसमें द्वितीय का, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, द्वितीय माने जो पत्नी से अलग कोई प्रिया की बात होती है, ये शायर दाम्पत्य की बात करता है, जो भारतीय जीवन मूल्य है, भारतीय जीवन मूल्य है, पत्नी से प्रेम की बात करता है, सारी बात ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारा जीवन मूल्य है, ये लेकर आता है, और वो उद्धृत कर रहे थे, इसलिए मैं उस शेर को दोबारा नहीं पढ़ूंगा। अच्छा ये भी लगा, नरेश जी बैठे, इनकी पत्नी बैठी है, जब बाल मुकुंद जी की बात आ रही थी, बाल मुकुंद जी का परिवार बहुत संपन्न परिवार था, बावजूद इसके उनके जो परिवार के लोग थे वो उनकी विरासत को नहीं संभाल सके, उनकी पांडुलिपियां नहीं बचा सके, बड़ी मुश्किल हुई उसको ढूंढने में, बहुत अमीर लोग थे, बड़ा योगदान है उस पूरे परिवार का, तफ्ता साहब उनके मामा थे, बड़े शायर फारसी के और उर्दू के, सारी चीज, लेकिन अच्छा लगा कि आप लोगों ने इनको बचा के रखा है। अभी तो जो 40-40 साल 30-30 साल पहले लोग गुजर गए हैं, उनकी चीजें लोग नहीं बचा के रख रहे हैं, उनके परिवार के लोग, साहित्य और संस्कृति का स्थान हमारे जीवन में बहुत कम होता जा रहा है, और अगर यह कम होगा तो हम मनुष्य तो बने रहेंगे लेकिन बहुत सारी चीजें खो जाएंगी, बहुत सारी चीजें हमारे पास नहीं रह जाएंगी। आज हम इतने लोग बैठे हैं तो इस कारण बैठे हैं कि कहीं ना कहीं शायरी से मोहब्बत करते हैं, अपनी जड़ों से मोहब्बत करते हैं, अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक ऐसे कवि को आज हम याद कर रहे हैं जो मुकम्मल भारतीय कवि है, हर तरह से भारतीय कवि है, हर जगह आप उसके देखेंगे तो वो ढूंढने की कोशिश करता है कि कैसे भारतीयता की रक्षा की जाए, और वो हर जगह जाता है, मतलब वैचारिक तरह से कहेंगे कि उसका अतिक्रमण भी करता है, चीजों को ले जाता है। तो आज इस अवसर पर मैं डॉक्टर आब्दी साहब को, नरेश जी को, इनके परिवार को और सब मित्र जो जुड़े हुए हैं, आप सबको बधाई देता हूं कि एक ऐसी किताब हमारे बीच में आई है, ये भीतर से भी वजनी है और बाहर से भी। क्या कहें, दोनों वजन है, बहुत मुबारक, बहुत बहुत अच्छा, भीतर से भी वजनी है, बाहर से अच्छा जुमला, वक्त के दामन में गुंजाइश खत्म होती चली जा रही है, इसलिए जरा शेर अब कभी सुनाऊंगा मैं अब दरख्वास्त गुजार हूँ प्रोफेसर अथर फारूकी साहब से, वो तशरीफ लाए। अथर फारूकी साहब डायरेक्टर अंजुमन तरक्की उर्दू रहे, आप उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। सदरी मोहतरम, थोड़ा सा माहौल हल्का करते हैं। मैं प्रोफेसर नहीं हूं, डायरेक्टर भी नहीं हूं,
और जो बात नारंग सरहदी साहब के हवाले से कर रहे हैं, चीजें किस तरह बदलती हैं, इस पे मुझे एक किस्सा याद आता है जो बिल्कुल सच्चा किस्सा है। फैज अहमद फैज का नाम आप सबने सुना है। फैज साहब जब जिंदा थे तो वो एक किसी कॉन्फ्रेंस में गए जिसमें वॉलेंटियर्स मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और ये कॉन्फ्रेंस लाहौर में थी। फैज साहब ने कहा बड़ी मोहब्बत से कि लाइए भाई हमारा बैग दीजिए या जो भी चीजें थी। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि साहब नाम बताइए। बात तसव्वुर कीजिए कि फैज से लाहौर में उनका नाम पूछा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई फैज, आप लोग जो फैज साहब को जानते हैं उनके स्टाइल से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा फैज। दूसरे ने कहा जनाब पूरा नाम बताइए। तो ऐसा ही कुछ आजकल अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के साथ है। तो मैं जहां जाता हूं तो वहां मुझे, मैं पूरी बेशर्मी के साथ ये बताता हूं कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद हिंदुस्तान का सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है जो 1882 की हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी के जमाने में बना, और जो मशहूर हंटर कमीशन है 1882 का, जिसे एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स में उर्दू और हिंदी के बीच पुल बनाने के लिए जो सर सैयद ने अपने दोस्तों की एक कमेटी बनाई थी, वही बाद में आगे चल के अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद बनी। तो मुझे मतलब फिर ये दोहराना चाहिए कि मुझे अंजुमन का ये इंट्रोडक्शन कराने में कोई शर्म नहीं आती और मैं पूरी बेशर्मी से ये तारुफ कराता हूँ। और आजादी के बाद अंजुमन एक ही संस्था थी, एक ही इंस्टीट्यूशन था, और आज जितने इंस्टीट्यूशंस नजर आ रहे हैं आपको उर्दू के, जितने यूनिवर्सिटी के शोबों में उर्दू के डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब अंजुमन की कोशिशों से बने। मेरे कहने का मकसद इस वक्त बहरहाल अंजुमन का तारुफ कराना नहीं है, कहने का मकसद यह है कि चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं और वो ऐसे बदलती हैं कि हमें उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही नारंग सरहदी साहब का मामला है कि वक्त रहते हमें उनकी विरासत को बचाना है। अभी जैसे हमारे दोस्त ने बालमुकुंद बेसब्र की बात की, इत्तफाक की बात यह है कि मेरा ताल्लुक उसी शहर से है जहाँ के हरगोपाल तफ्ता थे, और अभी तफ्ता का जो दीवान है वो मैंने तहियाती साहब को दिया है। तफ्ता के शागिर्द बालमुकुंद बेसब्र थे। बेसब्र के भांजे जो मशहूर साइंटिस्ट हैं हमारे, शांति स्वरूप भटनागर थे, वो भी उर्दू के शायर थे, और उनका मशहूर, उनका जो दीवान है वो लाजवंती के नाम से छपा था। तो ये जो हमारी सांझी विरासत है जो मुख्तलिफ वजहों से बहुत बदल गई है, बहुत चीजें गड़मड़ हो गई हैं, और हिंदुस्तान इस वक्त जिस ट्रांजिशनल फेज में है वहां किसी चीज के बारे में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद यह है कि एक वक्त आएगा जब हम अपनी खोज अपने अंदर से करेंगे और हमारे पास सब कुछ मौजूद है। लेकिन बहरहाल इस वक्त ट्रांजिशनल फेज में हम बहुत वेस्ट के असर में हैं, सोशल मीडिया ने हमें, हमारा बहुत दिमाग खराब किया है। तो ये वक्त भी बदलेगा और हम अपनी रूट्स की तरफ लौटेंगे, और हम ये मानेंगे कि जो साहित्य है, जो फिलॉसफी है, उसके बगैर जिंदगी नहीं दी जा सकती। आखिर में मैं एक मरतबा फिर बदकिस्मती हुई कि मैं किताब अभी तक पढ़ नहीं सका, लेकिन मैंने एक प्रोग्राम किया था जूम पे नरेश साहब के साथ, और मैं इतना इनसे मुतासिर हुआ कि मैंने इनसे ये कहा था कि जब ये किताब छपेगी तो इस पे पहला जलसा हम अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद में करेंगे। तो मैं आप सबको दावत देता हूँ, शायद 5 तारीख है जो अगला इतवार है, उसको उसमें शाम को 7 बजे अंजुमन में आप जलसा है, तो आप लोग तशरीफ लाइए। और उस इदारे को देखिए जैसे हमने 140 साल से बदलती हुई शक्लों के साथ बचा के रखा है। तो मुझे बहुत दिल खुश हुआ, और क्योंकि मेरी अपनी विरासत भी वही है तो मैं इसमें आना चाहता था, मैं आया, लेकिन मैंने
वाकयातन किताब भी नहीं पढ़ी है और उतनी मुझे मुझे महारत नहीं है कि मैं किताब पढ़े बगैर किताब के बारे में बोलूं, लेकिन यह है कि वो रिवायत मैंने देखी है जिसमें हरगोपाल तख्ता जैसे लोग, जिसमें बालमुकुंद बेसवर जैसे लोग, जिसमें शांति स्वरूप भटनागर जैसे लोग, ये तीनों लोग एक ही छोटे से कस्बे में पैदा हुए जिसकी आबादी उस जमाने में 20,000 से ज्यादा नहीं होगी। दिल्ली से 50-60 किलोमीटर के फासले में सिकंदराबाद के नाम से छोटी सी बस्ती है। तो ये बहुत बड़ा काम था जो नरेश भाई ने किया और जमाना इतना बदल गया है कि अब तो हमें अपने बाप दादा का नाम तो छोड़िए, अपनी जुबान बोलने में शर्म आने लगी है। तो ऐसे में कनाडा में बैठ के इतना बड़ा काम करना ये बहुत ज्यादा, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और आखिर में मुझे एक ही बात नेहरंग साहब के बारे में याद आती है और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये जुमला कहना हमें था मगर हम सबके बदले में जो हमारे सबसे बड़े सूफी हैं, मैं सूफी कहता हूँ, जॉन एलिया, वो ऐसा जुमला कह गए कि हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। उन्होंने कहा अपना जो पहला मजमूआ है उसमें कि मैं बर्बाद हो गया लेकिन अगर मैं पाकिस्तान ना भी आता तो भी मुझे बर्बाद तो होना ही था, इसलिए कि मेरे बाप दादा ने मुझे एक ही चीज सिखाई थी कि दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज है वो इल्म है और जो सबसे ज्यादा संभाल के रखने की चीज है वो किताबें हैं। तो ये दो चीजें मेरे पास अमरोहे में भी रहती, यही दो चीजें मेरे पास कराची में भी हैं। तो मुझे अमरोहे में ही बर्बाद होना था, मैं कराची भी आके बर्बाद हो गया। तो अगर ये बर्बादी है तो मैं भी इसी तरह बर्बाद होना चाहता हूँ और मेरा ख्याल ये कि आप सब भी अगर खुद इस तरह बर्बाद न हुए हों तो आप ये जरूर चाहेंगे कि आपके बच्चे इस तरह बर्बाद हो जाएं। शुक्रिया। जॉन बड़ा हरजाई निकला पर वो तो बैरागी था। जॉन बड़ा हरजाई निकला पर वो तो बैरागी था, एक निराली एक अनोखी अलबेलन अमरोहन का। पाकिस्तान में बैठ के अपने वतन से जो प्यार था, हालांकि मैंने कहा था कि मैं सिर्फ नेहरंग साहब के ही शेर पढ़ूंगा लेकिन दो शेर की इजाजत चाहता हूँ क्योंकि जॉन एलिया का जिक्र हो गया फारूक के साथ में कर दिया कि गाहे गाहे बस अब यही हो गया, गाहे गाहे बस अब यही हो गया, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो गया। इस समंदर में तश्ना काम हूं मैं, बान तुम अब भी बह रही हो क्या। एक बार नदी अमरोहे में छोटी सी, उस समंदर से उसको वो कंपेयर कर रहे हैं। बहरहाल हम अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अमरोहा फाउंडेशन और नंदलाल सरहदी अदबी मेमोरियल कनाडा की जानिब से ये प्रोग्राम आप मुनाकिद किया जा रहा है। और अब मैं इस सिलसिले को दरख्वास्त गुजार हूँ नंदलाल नीरंग सरहदी साहब के पोइट्री, पर्शियन पोइट्री पर इजहार ख्याल करने के लिए प्रोफेसर एहसानुल्लाह शुक्रुल्लाह जी। ये भाई मैं कई, मुझे आपने कई लोगों को डायरेक्टर लिखा है और वो अभी इसका इसको तरदीद कर गए कि मैं डायरेक्टर नहीं हूँ फारूकी साहब। बहरहाल ये मेरे नाम में डायरेक्टर लिखा है, डायरेक्टर पर्शियन रिसर्च सेंटर ईरान कल्चर हाउस पे। आप इसका बात फरमाइए। In the name of God, the compassionate, the merciful. Dear audience and esteemed intellectuals, I'm glad to be present at this lovely cultural event. As an admirer and lover of the common heritage of Iran and India, a special thanks to Dr. Syed Taghi Abidi, who while constantly trying to revive this common heritage himself, invited us to take part in this culture reunion. It is gratifying that the more we pay attention to the culture and historical background of
great India, the more we realize the significant presence of the Persian language in it. Nirang Sarhadi is just one literary figure out of the thousands who have paid attention to Persian language among other cultural activities. As can be seen from the list of this book, in addition to letters and prospects, Nirang Sarhadi has written at least 8 Persian poems and thus has shown his interest in literary expression in Persian. But we have to admit that he did not rank high in this art, that there are weakness in his poems in terms of rhythm and semantics. And it is natural because Persian was not his mother language. However, the influence he had received from the ideas of the great Persian-speaking poets is recognizable. As an example, I read a couple of poems by him here. نخست یک غزل و سپس یک قطعه رو از اون میخوانم. به هر تیری که بر قلبم بیاید میهمان دانم. به هر تیری که بر قلبم بیاید میهمان دانم و هر دردی که پیدا میشود آن ارمغان دانم. دقیقا اندیشه‌ای که مولانا در مثنوی معنوی از آن نام میبرد. اون میگوید مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. یا سعدی میگوید به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست، غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. در ادامه این غزل نیرنگ میگوید مرا حاجت نباشد این که طرح آشیان ریزم. مرا حاجت نباشد این که طرح آشیان ریزم. به هر جا که شب گذرد همان به آشیان دارم. این همین اندیشه رو طالب آمولی در شعرش آورده. او میگوید از ضعف به هر جا که نشستیم وطن شد و از گریه به هر سو که گذشتیم چمن شد. در ادامه غزل میگوید گمانم هست در صحن چمن فصل بهار آمد. بهاری را که هم دلخوش نمی باشد خزان دانم. این بیت و بیت بعدی گویای یک حقیقت است. با آن این که نیرنگ جزء عارفان محموم بود. ما دو دسته عارف داریم. We have two branch of عارفs. Happy عارفs and sad عارفs. And نیرنگ was from the branch of sad عارفs. گمانم هست در صحن چمن فصل بهار آمد. بهاری را که هم دل خوش نمی باشد خزان دانم. مرا حاصل شده آن غم که چیزی خوش نمی آید. تعجب این که هم صوت مغنی را فغان دارد. زمین وسعت عالم به سینه ام نمی گنجد. به هر خاکی نگاهی می کنم هندوستان دارد. غلامش می شوم هر گه غلامش می شوم هر که مرا لطف زبان آورد. چون این دشمن اگر پیشم بیاید مهربان دانم. شوم خوشنود از آن کاری که از دستم بیانجامد و احسانی اگر هم اندکی باشد گران دانم. خوشحالم که در این بیتش اسم من که احسان هست رو آورده میدم. چرا در محفل اهل زبان نالم که من نیرنگ. Here is the
very important text of his poetry, which he introduced himself as Zabandan, Sokhandan, و کسی که انداز بیان میداند. چرا در محفل اهل زبان نالم که من نیرنگ زباندانم سخندانم و انداز بیان دانم. یه بہت اهم نکتا میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے جو پرشین پویٹری پر جو گفتگو हमारे प्रोफेसर डॉक्टर कर रहे हैं, ये इतना हाई लेवल है इनकी पर्शियन पोएट्री का नैरंग की, कि नैरंग ये कह रहे हैं हमारे पास दो किस्म के आपके क्या कहते हैं आरिफ यानी दरवीश और साधु, एक जो गम को अपना जो है मेन स्ट्रीम बनाते हैं और दूसरा जो हैप्पीनेस को खुशी को, लेकिन नैरंग जो सबसे कमी है वो कमी, क्योंकि वो रूमी के और सादी के और उस ग्रुप के शायद, अगर काश के कोई समझे कि किस कदर खूबसूरत फारसी के शेर कहें, जिस तरीके से कहते हैं कि हर तीर जो मेरे दिल पर लगता है उस तीर को मैं मेहमान समझता, हर दर्द जो मेरे बदन में होता है उसको मैं खुशामदीद कहता, और ही इज डूइंग द ग्रेट जॉब प्रोफेसर शुकुल्लाही, ही इज अ मास्टर ऑफ पर्शियन पोएट्री ऑल्सो, ही इज रिलेटेड टू अवर सबकॉन्टिनेंट पोएट्री, द वे ही इज डिस्कसिंग आई होप वी विल ट्रांसलेट इट, द बेस्ट थिंग इज दैट आई शुड हैव बीन ट्रांसलेट यू इन उर्दू और हिंदी, बट द पोएट्री ऑफ Narayan Sarhadi in Persian. If you have any other poet of this caliber, of his 20th century, show me, because he knows that I work with the Persian poetry too. There is no poet like that. So if he is such a big Persian poet, what we have done with him? That's the question. Again, I am coming to the same thing. We were not able to establish that we were not honest in representing. There are more than 100 Department of Persian in India. It's not like that official people don't have the Persian knowledge. So why they have not taken, have not introduced a single verse of this one. I'm very thankful, Dr. Shukrullahi, the way you are just I will tell you, that is the tradition of, I was in Iran, and I have seen that how much you love your poets and your Persian language, okay? And this person, Narayan, is telling that, I am servant of some person who gave me a beautiful language. I think that's the message to our community, that please do favor with ourselves and recognizing our great people who are talking in a different language. Continue. The last word is his best poetry, two verses, which I think is conclusion of his thoughts and his wishes. نه گنج مال و زر خواهم نه شأن قیصری خواهم نه گنج مال و زر خواهم نه شأن قیصری خواهم نه جاه و حشمت دنیا نه بر کس برتری خواهم به فضل خیش از لطف و کرم بر من نگاهی کن الهی از درت نقد متاع شاهدی خواهم. Thank you. नारायण साहब ने कहा कि मुझे कोई चांदी सोना जवाहरात नहीं चाहिए, मालिक मुझे सिर्फ शायरी की दौलत अता कर दे, ये मेरे लिए काफी. What a the great conclusion he has. What concluded he has. He's telling, and that is the important. If he has prayed for the, you know, the wealth of this one after 50 years,
we shouldn't have gathered here in this Islamic center and talk about his Narang sahab farmate hain Mirang sahab farmate hain ke taqaza kya bahar aaye na aaye pila saqi khumar aaye na aaye khuda jaane ke is mausam mein tujhko khayal e khaksar aaye hazirin igrami हमारी ये खुशनसीबी है कि आज इस प्रोग्राम ने हमारे साथ बल्कि इस प्रोग्राम के रूह रवा भी इनको कह सकते हैं उनके फर्जन उनके सुपुत्र उनके बेटे मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त गुजार नरेश नारंग साहब से तशरीफ लाएं और आज के प्रोग्राम के बारे में अपने ख्याल का इजहार करें और आप लोगों का इस्तेमाल करें। साहिब सदर जनाब आसिफ आजमी साहब मौजूद जो नहीं है मेहमान खुसूसी जनाब इंद्रेश कुमार आ रहे हैं मेहमान एजादी और फातिन हजरात आ गए एक साहिब सदर जनाब आसिफ आजमी साहब मेहमान खुसूसी जनाब इंद्रेश कुमार साहब मेहमान एजादी और ख्वातीन हजरा मैं नरेश नारंग नारंग साहब की पांचवी औलाद आज आपके सामने हूं। जब उनका इंतकाल हुआ मैं सिर्फ 14 साल का था। जब उनका इंतकाल हुआ तो मेरे स्कूल के हेडमास्टर पिशौरी लाल उन्होंने एक वसीयत नामा जो उनके पास था जो उन्होंने 3-4 साल पहले लिखा था सब लोगों के सामने जो वहां मौजूद थे पढ़ के सुनाया। वो वसीयत नामा पूरा मैं नहीं सुना सकता आपको लेकिन कुछ उनके मैं जुमले जरूर सुनाऊंगा। उसका उनवान था कि शायर किसी खास मजहब का कायल नहीं होता। क्या कहते शायर किसी खास मजहब का कायल नहीं होता अच्छा अखलाक ही उसका मजहब होता है। उन्होंने ये लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटों में से कोई भी सर न मुंडवाए मेरी अस्थियों को हरिद्वार ले जाने के बजाय इत्तफाक से अगर दिल्ली जाना हो तो दरियाए जमुना में ऐसे बहा दिया जाए जैसे आम चीज बहा दी जाती है। किसी मजहबी आदमी को घर पर बुला के कोई मंत्र वगैरह ना पढ़ा जाए और कोई शोर शिकर ना किया जाए क्योंकि मैं हर मजहब को अच्छा समझता हूं और हमने बिल्कुल वैसा किया जैसा उन्होंने अपनी वसीयतनामे में लिखा था। और ये वसीयतनामा मई 1973 को दिल्ली के हिंद संदेश अखबार में छपा है और इस किताब में भी है। मैं चूंकि नारायण साहब के साथ बहुत उनका करीबी था बच्चों में तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नारायण साहब जो थे एक मानवता के ह्यूमैनिटी के शायर थे इंसान थे। वो कभी भी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते थे। उनकी जिंदगी की अगर मैं हाल बताऊं तो वो काफी उन्होंने जिंदगी तंगदस्ती में गुजारी लेकिन किसी के आगे उन्होंने हाथ नहीं फैलाया कभी किसी से उधार नहीं मांगा बहुत मुफलसी में रहे वो। जैसा कि आबदी साहब ने कहा कि हर एक शायर की तमन्ना होती है उनका कलाम शायद हो जो कि उनके जीते जी नहीं छप सका। अब यहां पे मैं कहना चाहूंगा हर एक माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बने इंजीनियर बने आईएएस बने आईपीएस बने लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी कि वो काम जो नारायण साहब की जिंदगी में जीते जी नहीं हो पाया उनका कलाम शय होने का
जब मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर करूंगा। और आज 50 साल के बाद मैं समझता हूं कि मैंने जिंदगी में सब कुछ पाया, बहुत कुछ पाया, खुशी भी हुई, लेकिन जो खुशी मुझे आज हो रही है मैं उसका बयान नहीं कर सकता। ये मेरी जिंदगी का वो सपना था जिसे पूरा करने में मुझे डॉक्टर अब्बी ने दिन रात मेहनत करके 2 साल से ज्यादा इस किताब को लाने में लिखा है। और मुझे पूरी इजाजत थी कि रात को 9 बजे से लेकर सवेरे 3:30 बजे तक मैं जब चाहूं उनको फोन कर सकता हूं। मैंने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की पहले कि उनका कलाम शाया करवाऊं। 1986 में उनके इंतकाल के 13 साल के बाद मैंने एक छोटा सा मजमुआ नैन साहब का एक था शायर नाम से छपवाया। साहित्य एकेडमी में उन दिनों समकालीन मैगजीन के एडिटर गुलशेर खान शानी हुआ करते थे। मैंने उनसे पूछ किया कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें इस किताब को लाने में, और उन्होंने नेशनल पब्लिशिंग हाउस से 1986 में एक छोटा सा मजमुआ एक था शायर नाम से शाया करवाया। उसके बाद मैंने उनका कलाम एक एकेडमी को पेश किया। 12 साल लगे उस किताब को छपने में, लेकिन 1998 में वो किताब भी छपी तामीर यास के नाम से। 2018 में फिर एक छोटा सा मजमुआ उनका निकाला, सिर्फ इसलिए उनको याद करने के लिए, लोग भुला ना दें। आप भी सबसे मुलाकात में इस तरीके से, मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्योंकि मैं भी टोरंटो से आया हूं, कनाडा के अंदर कह सकता हूं, मैं टोरंटो की बात नहीं कर रहा, कनाडा के अंदर चाहे वो कैलगरी हो, चाहे ब्रिटिश कोलंबिया हो, चाहे टोरंटो हो, कोई भी अदबी महफिल इनके बिना अधूरी है। और इनकी हर महफिलों को मैं फॉलो करता था। एक दिन उनका लेक्चर था मिर्जा गालिब के ऊपर, मैंने इनको 2 कतात नैरन साहब के लिख के भेजे। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि मेरे पास कोई जवाब आएगा, कुछ शुक्रिया भी आएगा, एक अच्छा लगा। उसी रात इन्होंने बहुत खूबसूरत अपनी हैंडराइटिंग में एक लेटर हेड के ऊपर लिख के वेरी ब्यूटीफुल मुझे लिख के भेजा। जो खुशी मुझे उस दिन मिली, मैंने कहा अब मैं इनको अप्रोच करूंगा। और मैंने अपना वो कलाम इनके सामने रखा और 20 अक्टूबर 1920 और नवंबर 1921 में इन्होंने 2 वेबिनार भी किए। फारूकी साहब ने, इकरामुद्दीन साहब ने, सब ने, जो लोग मौजूद थे, मेरी हौसला अफजाई की कि अब हम इसमें पूरी आपका सहयोग देंगे। और जिसका नतीजा यह है कि आज ये किताब, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। उनका एक मैं शेर बताना चाहूंगा कि नैरन साहब उर्दू के आशिक थे, मैं कहूं कि उर्दू उनकी माशूका थी। क्या कह, उन्होंने लिखा है, उनको दुख भी था इस चीज का कि उर्दू जबान खत्म होती आ रही है। उन्होंने कहा कि मकान लुटते तो देखे हैं, दुकान लुटती भी देखी है, किसी आशिक का दिल नाजुक सी जान लुटती भी देखी है। खुदा के वास्ते इतना तो कह दे देखने वाले, कहीं पर आज तक तूने जुबान लुटती भी देखी है। घर में हमें ताकीद थी कि हम अच्छी उर्दू बोलें। मेरे मरहूम भाई के बच्चे यहां पे मौजूद हैं, उनके सामने मैं कहना चाहूंगा कि हमारे वालिद ने मेरे बड़े भाई राजकुमार से 1 साल तक बात नहीं की। 1 साल तक
वजह वो अच्छी उर्दू में बात तलफुज नहीं ठीक कर पा रहे थे, कुछ उन्होंने ऐसे बोला कि उन एक साल तक उनसे बात नहीं की। तो ये थे नेहरू साहब, वो टीचर थे, पेशे से टीचर थे। 320 रुपए पर 25 साल की नौकरी करने के बाद वो रिटायर हुए स्कूल से। उस स्कूल के लिए जिन्होंने, जिनके लिए इन्होंने अपनी पूरी जान दे दी, 320 रुपए में रिटायर हुए। इनके पास दो किस्म के स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। एक वो जिनके बच्चों को बोर्ड के एग्जाम में जाना होता था और रिक्वेस्ट करते आप हमारे बच्चों को इंग्लिश या मैथमेटिक्स पढ़ाओगे, और दूसरे बच्चे वो आया करते थे जिनके बच्चे मीन्स एडल्ट्स नॉट बच्चे, कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाओ। 10th क्लास के बच्चे के पेरेंट्स ऑफर किया करते थे 40-50 रुपए ट्यूशन के लिए, उर्दू के लिए उनको 10 रुपए मिलते थे, वो उर्दू के बच्चों को लेते थे। तो मैं क्या कहूं, 10 रुपए अगर 10 बच्चे पढ़ाते थे उनको 100 रुपए मिलते थे, अगर यही 10th क्लास के बच्चे पढ़ाते 500 रुपए आते। हमारे घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, जो वक्त हमने देखा है, मैं ये कह सकता हूं खुदा किसी को ना दिखाए, इतनी मुफलसी में हम रहे, हमने वक्त देखा इस वजह से। लेकिन फिर भी जो उन्होंने तरबियत हमें दी, हमने कोशिश की अपने बच्चों को वैसी तरबियत दें। वो मजदूरों के शायर थे, कारीगरों के शायर थे, रहम दिल थे। उनकी जो ड्रेस थी वो एक शेरवानी डाला करते थे काले रंग की, घुट्टी मोरी का पजामा, सिर पे शनेल की टोपी, हाथ में कश्मीरी छड़ी रखा करते थे। इस ड्रेस में मैंने जिंदगी भर देखा है। कुछ लोगों की ड्रेस पसंद नहीं थी, शायद कहते थे ये मुसलमान है, वो तो आर्य समाज मंदिर गए, मैं खुद देखा है, जाके वहां पर हवन भी करते थे, गुरुद्वारे के अंदर भी बोला करते थे, और मैं उनके साथ हजरत निजामुद्दीन में भी गए हूं जहां वो नाथ पढ़ा करते थे। वो एक सेक्युलर पोएट थे। उन्होंने लिखा, आजकल गर्मी है बाजार फकत है कपड़े, आजकल गर्मी है बाजार फकत है कपड़े, आदमियत के भी आसार फकत है कपड़े। कल तो इंसान का मियार था अखलाक बुलंद, कल तो इंसान का मियार था अखलाक बुलंद, आज इंसान का मियार फकत है कपड़े। इस किताब को लाने के लिए मैं सिर्फ अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये सच्चे दिल से बोल रहा हूं कि जो मदद मेरी आदि साहब ने की, दिन रात मेहनत करके मेरे पास उनका शुक्रिया करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। न केवल आदि साहब बल्कि मुझे पूरा सहयोग मिला है, डॉक्टर आसिफ आदमी साहब से भी, सबने मुझे विश्वास दिलाया कि इन्होंने वो काम किया है। ये डॉक्टर, ये प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, और डॉक्टर की कोशिश ये होती है कि किसी पेशेंट को नंबर नहीं दिया जाए, लेकिन इन्होंने मरे हुए एक शख्स को 50 साल के बाद जिंदा किया है। डॉक्टर साहब मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जो काम आपने किया है। मैंने 50 सालों में कई जगह दरवाजे खटखटाए, ये कोशिश, ये नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की कि उनके कलम ना आए, लेकिन मुझे अफसोस कहना पड़ रहा है, मुझे कहीं से कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली जो मैं सोच रहा था। आज 50 सालों पर जिससे हम खड़े हुए, जिनका जश्न मना रहे हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने भाइयों का, बहनों का, भतीजों का, भतीजों का, जो सबने मिलकर मेरी मदद की और जिसकी वजह से किताब आई। शुक्रिया। नरेश नारायण सलीम साहब आपसे मुखातिब। आदरणीय गिरामी, जिस शख्सियत के हवाले से इतनी बातें हो रही हैं, उसकी किताब का इजरा
तो ज्यादा अच्छा रहे। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि इजरा की दस्त अदा की जाए, बुक रिलीज की जाए। मैं निहायत आदरणीय आपसे दरख्वास्त गुजार हूं, आज के चीफ गेस्ट आले जनाब इंद्रेश कुमार जी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ आरएसएस के तशरीफ लाएं और अपने ख्याल का इजहार करें और आप लोग उनका इस्तकबाल। मैं अपनी श्रद्धांजलि और मैंने उस शख्स को देखा था, पढ़ा भी नहीं है। 8-10 दिन पहले मेरे पास अमरोहा से प्रयाग आया, मैंने कहा कि मुझे 30 को कंबोडिया जाना है। उनका नहीं, कार्यक्रम 29 को है। मैंने डायरी देखी पर दबाव इतना था चारों तरफ से, शायद आपके दीदार करने थे इसलिए मैं चला। क्या बात। और ऐसी शख्सियत से सामने नहीं है तो भी रूबरू होना था, ये मेरी किस्मत लिखी। क्या बात। इस महफिल के बारे में मैं कहूंगा, ना ये सियासी है ना मजबी, ये महफिल तहजीबी है, समाजी है और खुदाई है। क्या बात है। क्या बात। वैसे तो इस्लामिक कल्चरल सेंटर से हमारी अजीब से मोहब्बत जुट गई। जस्टिस सिद्दीकी हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उनके अपने जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस थे, वो बहुत जिद पर अड़ गए थे कि मेरी पुस्तक का लोकार्पण आप भी करेंगे। जामिया मिलिया के कुलपति, छोटी बहन जैसी है नजमा अख्तर, तो उसका भी दबाव था, तो मैं इसलिए यहाँ कार्यक्रम में आया। नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, वेल एजुकेशनिस्ट है माने जाते हैं हिंदुस्तान, डॉक्टर एस एन पठान, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंदुत्व ये भारतीय एकात्मता है ना कि मुस्लिम द्वेष, मैं उसके लोकार्पण पर गया था। उसके बाद डॉक्टर कलाम, ए रियल हीरो फॉर फ्यूचर,
इसको लेकर एक उर्दू विकास परिषद ने कार्यक्रम किया था, तो उसमें पुरस्कार भी वितरण करने थे और कुछ महफिल के अंदर आए हैं, तो यारी पक्की हो जाए इसलिए कुछ कहना भी चाहिए। शायर ने तो यही कहा है कि साहब आंखें तो कह रही है कि आप दूर जा रहे हैं और दिल और दिमाग कह रहा है कि आप हमारे भीतर आ रहे हैं। क्या क्या बात है, क्या बात है। ध्यान रखना, अकल से शायरी करूंगा, नकल से नहीं कर सकता और शायरी मिजाज नहीं। सन 1970 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनकर, मेरा एक इम्तिहान स्टूडेंट्स ने सीनियर ने रैगिंग करते हुए लिया, वो इम्तिहान बड़ा टेढ़ा था, वे रात को 12 बजे, शैतान जागता है इंसान सो जाता है क्योंकि उसी का पीरियड है। क्या के? मुझे कहा कि आप बाजार जाइए और 5 गज, उस समय गज था, मीटर अभी आया नहीं, मीटर प्रवेश कर रहा था दुनिया के अंदर, 5 गज दूध खरीद कर लाइए। दूध 5 गज दूध खरीद कर लाइए। ये लगा कि सीनियर है, इंटेलिजेंट है, इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरिट से प्रवेश लिया है, इतने मेंटल केस तो नहीं होने चाहिए। पर बॉस ही जालवेज रही, तो मैंने हेल्पलाइन ली, उसमें करोड़पति बनेगा सीरियल नहीं था, मैंने ऐसे ही कहा कि साहब रात को 12 बजे हैं, दूध लाना है तो फिर बर्तन तो चाहिए। नो नीड ऑफ यू टेंशन, बर्तन की जरूरत नहीं। मैंने कहा इस समय तो हलवाई भी कोई नहीं जाग रहा होगा। मैंने कहा नो नीड ऑफ दैट मिल्कमैन। हमने कहा हलवाई भी नहीं चाहिए, बर्तन भी नहीं चाहिए, 5 गज दूध चाहिए। ये सुना पढ़ा नहीं कितनी जिंदगी के अंदर, किसी ग्रंथ में भी नहीं। तो हमें आप जैसे किसी की कही हुई एक लाइन याद आ, मुश्किलें हैं मुश्किलों से घबराना, मुश्किलें हैं मुश्किलों से घबराना, आखिर मुश्किलें ही तो मंजिल पहुंचाती। अब हमने कहा कि कुछ उत्तर नहीं देंगे तो मालूम है मुर्गा बना कर रखे रात भर। हमने एक कहानी घड़ी, हमने उनसे इजाजत ली, 10 मिनट घूम कर आ गए और आत रमने के लिए ये सर ये 5 गज दूध है। तुमने कब मान लिया 5 गज, पर तुम ये बताओ तुमने खरीदा कैसे। हमने सोचा था जान बच जाएगी, जाके सो जाएंगे हॉस्टल, वो जान फिर अटक गई। मैं कोई आपकी रैगिंग वैगिंग करने के लिए नहीं कर रहा, जो मेरे साथ बीती 1966 में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया। अब 52 साल तो इंजीनियर बनोगे, 56-57-58 साल पुरानी घटना होगी। बैठा था तो सोच रहा था क्या बोलूं, तो ये बात याद आ गई इसलिए क्या है। आपने देखा होगा मैं कुछ कुछ लिख भी रहा था। तो मैंने कहा कि हम हलवाई के पास गए, दरवाजा खटखटाया, वो उठकर आया, उन्हें कहा आधी रात को कौन बेवकूफ आए। हमने कहा तो मामला बिगड़ जाएगा, तो मुस्कुराइए क्योंकि एक कहावत है, मौन सुरक्षा कवच है, मुस्कान स्वागत। अब शायरी में आप ढाल लें। तो इसलिए कहा, तो हमने सीनियर्स को रिस्क लेकर एक लाइन कह दिया। हमने कहा वो हलवाई बड़ा अजीब सा था, कहते कौन बेवकूफ है जिन्होंने आपको ये काम दिया है। हमें बहुत बुरा लगा कि हमारे सीनियर्स को हलवाई बेवकूफ कह रहा है। अब समझ तो गए होंगे इसने क्या कह दिया, पर हमने नहीं कहा क्योंकि दूसरे ने कहा, हमने सुना दिया केवल दूसरे की। तो उन्होंने कहा फिर कैसे किया। हमने कहा देखिए हमारा बर्तन है,
आप हमने बर्तन में 10 ग्राम दूध लीजिए, हमारे बर्तन को टच करिए, इसको एक गज ऊपर ले जाइए और पलट दीजिए, कॉल इट 1 यार्ड, डू इट 5 टाइम्स, इट विल बी फाइन। शायर या कवि, दुनिया के अंदर कोई इसको निर्माण करने का संस्था सही, आपने कोई पढ़ाया आज तक शायर और कवि बनाने के लिए? ये यूनिवर्सिटी अमेरिका में, इंग्लैंड में, रूस में, चीन में, हिंदुस्तान में चलती है। कोई स्कूल कॉलेज देखा है? मैं कहा करता हूं कवि और शायर ये खुदा की देन, ईश्वर की देन है, इस पर मेहरबानी बरसती है वो मालिक ही जाता है। पर देयर इज नो सिलेबस, नो इंस्टीट्यूशन, नो टीचर, नो बिल्डिंग, नो बुक, ये गॉड गिवन गिफ्ट है। ऐसा मानकर मैंने सोचा कि चलिए इनके लिए भी देख लेते, तो मैं आप सबके बीच में आया। मैंने अपने दो मित्रों को कहा उर्दू फारसी अच्छी तरह जान, मैं कहा जरा जीस्ट बनाकर मुझे बता दो। बड़े भले लोग थे, एक जामिया में प्रोफेसर है, एक दूसरी जामिया में हमदर्द में प्रोफेसर, दोनों ने जीस्ट बनाया 2-3 दिन लगा। मैंने कहा कि मुझे सुना दो, फिर वहां कितना याद रहेगा वो वक्त के अनुसार तय होगा। और इस अंदाज में तो मैं कहूंगा जो भी मुश्किलें उनकी जिंदगी की थी, अगर वो श्रृंगार नहीं थी और आभूषण नहीं थी तो महफिल नहीं सकती। वो उनका श्रृंगार भी थी, वो उनका उपहासन भी थी, आभूषण भी थी, इसलिए आज खुशबूदार और खूबसूरत और रोशन महफिल हम सब उसके साक्षी बनकर बैठे। अभी उनके सुपुत्र पुत्री है ना, अगर कोई गलती भी हो जाएगी तो सॉरी सर कर सकते। ये खुदाई हकीकत, आदमी की पहचान मजहब से नहीं है, इट इज ए यूनिवर्सल, जात से भी नहीं, जुबान से भी नहीं, वो उसकी पढ़ाई से भी नहीं, वो उसके पैसे से भी नहीं, उसकी खूबसूरती से भी नहीं। दुनिया में मालिक ने पहचान का एक ही पैमाना तय किया है, उसका किरदार और कर्म। किरदार अच्छा तो इंसान अच्छा, किरदार बुरा तो इंसान, वो फिर रावण भी हो सकता, हिंदू होगा और ब्राह्मण होगा, पूजा करता होगा, 4 वेद जानता होगा, जो दुनिया की सबसे कठिन पढ़ाई है। किरदार अच्छा नहीं था बेचारा, आज भी राक्षस है। किरदार आदमी को यह हिम्मत देता है कि सच को सच बोल देता है, बुरा लगे या अच्छा लगे। पर इतना ही ध्यान रख, सच कड़वा होता है, जरा गुस्से में मत बोल तो जहर में बदल जाएगा, मुस्कुरा के बोल दे तो शायद आदमी हजम। इसलिए उनके जब मुझे शायरी में से उन्होंने चैप्टर में से कुछ छांट कर दिया, तो जो उसमें से खुशबू आई, रोशनी आई, मैं उस रोशनी में से कुछ बात कह, तो मुझे एक शायर याद आ गए नजीर, अजमेर शरीफ गए 116-117 साल पहले की घटना है, शायद इससे कम ज्यादा जो भी होगा आप में जो उसकी तारीख ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लेनी चाहिए, करेक्ट करेंगे तो आई विल करेक्ट, अभी जितनी बताई है वो ही आगे कोई करेक्शन करके कहेगा कि नहीं ऐसा और ऐसा है तो अपने को झगड़ा नहीं करना, मान लेंगे। तो वहां एक खींचतान शुरू हो गई उनके शिष्यों, क्योंकि जिस रास्ते से जा रहे थे उस दरगाह पर गरीब नवाज की जाने के लिए, एक तरफ भाई और मंदिर था, थोड़ी सी आगे जाकर एक मस्जिद भी थी और दूसरी तरफ एक थोड़ा गुरुद्वारा भी। तो किसी ने कहा मियां इधर, किसी ने कहा उधर, किसी ने कहा इधर,
किसी ने कहा भैया सीधे, अब झंझट खड़ा हो गया कहां जाए। तो हरेक ने हरेक को बुतखाना कहा या क्या कहा, कुफर कहा, काफिर कहा, जो जो जिसके आता था कह लिया। तो नजीर वहीं खड़े हो गए, अपने सूफियाना अंदाज में बोले, जैसे बोलने वाले मेरे से पहले बोल रहे थे। उसने कहा मालिक, जब आंखों में हो खुदाई तो पत्थर भी खुदा नजर आए, पर जब आंखें ही पत्थर आई तो खुदा भी पत्थर नजर आया। मालिक चलता हूं, मेरी हाजिरी कबूल कर ले। और वो चले गए। पर जो उन्होंने उस समय के डायलॉग किए हैं कि पढ़ने, किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, किसी जुबान का हो, कितने कद वाला हो, आई ओपनर है। हरेक को अपने अंदर झांकने का मौका कवि का और शायर का आदत होती है। वो दूसरों के लिए नहीं बोलता, वो आयना बनकर मुझे और आपको कहता है कि देख भाई मेरी शायरी में देख ले, ये अक्स तेरे लिए क्या कहता है। पर आजकल लोग ये सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं, ये दूसरे के लिए, इसलिए झंझट खड़ा रहता है। तो आज जरूरत है कि इन सब चीजों को भी ठीक से सोचने वाले चाहिए। मैं निजाम द्वारा स्थापित उर्दू यूनिवर्सिटी है और एक और यूनिवर्सिटी है मानो भारत सरकार, दोनों ने मुझे बुलाया था और उसमें एक में विषय था संवाद। तो मैंने कहा वहां पर एक भाषाई संवाद होता है, एक भावनाओं का संवाद होता है और एक मौन संवाद होता है। सबसे ताकतवर सबसे कमजोर संवाद भाषाई होता है, क्योंकि उसमें बेईमानी करने का बहुत स्कोप होता है, अपने शब्दों से बदलने के लिए खुला रास्ता होता है। और आप दिन रात मजहबी सियासी नेताओं को करते हुए देखते रहते हो, भुगतते रहते हो। परंतु जो भावनाओं का संवाद होता है इसमें कोई स्कोप नहीं होता। कैसा सुंदर होता है वो, बिना ज्ञान के, बिना शब्द के, बिना भाषा के, पर भावनाओं का है। आप में से कुछ लोगों के घर में डोगी होगा पालते हो, नहीं तो डोगी वाला घर तो देखा ही होगा। तो डोगी दूर है, मालिक यहाँ खड़ा है, तो बिस्कुट लेता है, कुछ खाने की चीज लेता है, एक जुबान बोलता है जो दुनिया की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखी। और वो वहां से बिस्किट से कहता है, बताओ दुनिया की किस जुबान में लिखा हुआ, कोई एक बता दो कि दुनिया के इस जुबान में लिखा। और जब ये तीन चार बार करता है, मुस्कुराहट भरे चेहरे से डोगी से आकर लिपट जाता है और ट्रक के पीछे लिखा होता है आन मिलो सजना, ऐसा बढ़िया मिल। अब आपने किस यूनिवर्सिटी में और पुस्तक में ये पढ़ा और कुत्ते को ये किसने पढ़ाया कि जब ऐसा हो तो तू दौड़ के लिपट जाना। और मान लो डोगे शरारत करे और मालिक को कोई अहम काम आ जाए, तो प्राय दुनिया में, मैं इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया, मैं थाईलैंड गया, कंबोडिया गया, नेपाल भूटान वगैरह गया, तो मैंने देखा है कि उस समय सारी दुनिया के लोग थोड़ा अंग्रेजी बोलते और हम हिंदुस्तानी तो पक्का बोलते, बड़े गुस्से से कहेंगे चेहरा बना, अरे डोगे सिट, उसने कौन सी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ी हो। वो बेचारा सहमत है और बैठ जाते हैं। जब आप फुर्सत होते हैं तो आपके मन के अंदर एक संवेदना है, फिर जाते हैं, आपको लगता है ये अच्छा नहीं, थोड़ा पुचकारते हैं। उस समय की जो मोहब्बत है वो निर्दोष मोहब्बत होती है, बिना अहंकार के होती है, सच्ची होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है। आप में से बहुत लोग इसको एक्सपीरियंस करते हो। यह जो भावनाओं का संवाद है, जब तक मानव इसको नहीं समझेगा और सीखेगा, वो लाख नाटक कर ले,
ना प्यार आ सकता है, ना आत्मीयता आ सकती है, ना मन आ सकता है, ना रसूल आ सकता है। नाटक पक्का। मालिक ने हमें नाटक करने के लिए तो नहीं भेजा। कुछ दिनों पहले मैंने लगभग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गोवा गुजरात से लेकर मणिपुर तक एक 25-30 लाख से अधिक मुसलमानों से इंटरेक्ट किया है, 5-10 से भी किया है और 50,000 लाख की सौंप भी किया है। 20-22 मुस्लिम देशों के डिप्लोमेट से भी मैंने डायलॉग किया। तो हमारे एक दोस्त हैं, वो जरा टिपिकल आदमी है, उसने एक शब्द लिखे, वो ना हिंदी है, ना उर्दू है, ना फारसी है, ना अंग्रेजी है, लयबद्ध है कि नहीं है ये भी मालूम। लिखता क्या है, मालिक, ओ मालिक, भेजा था तूने मोहब्बत के लिए, ओ मालिक, भेजा था तूने मोहब्बत के लिए, यह भी बताया था, देख तेरी बीवी के कदमों में जन्नत है, देख तेरी बीवी के कदमों में जन्नत है। पर हम ऐसे अजीब निकले कि हमने उसी को तलाक दे दिया। मालिक आए तो मोहब्बत के लिए। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा घर में ठीक ठाक है ना, मुझे लगा कुछ बिगड़ तो नहीं गया। कुछ ही दिन पहले मैं घर होकर आया और अमरोहा के पास ही है वो घर, तो इसलिए मेरा कार्यक्रम था मैं उसमें गया था। पर उसने वो भी बड़ा अजीब था, मेरे फोन किया फिर दो लाइनें भेज और कहता है, मालिक कसूरवार थे कसूरवार हैं, पर हम नादान हैं, माफ कर देगा तो कुछ देर के लिए जन्नत नसीब। तो मैंने कहा तूने बाकी टाइम किसके लिए कर दिया, बाकी जन्म के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो काम ही ये कर। तो इसलिए अब ये सब संकट है, पर शायर को एक उस्तादी प्राप्त होती है, वो कठिन से कठिन चीज पर भी टिप्पणी करता है और बेबाक करता है। इसलिए आप ऐसे सब लोगों को कहीं कबीर के रूप में, कहीं रसान के रूप में, कहीं रहीम के रूप में, कहीं कारे बेग के रूप में, ऐसे एक बड़ी श्रृंखला है भारत में और दुनिया में जो एक आईना होती है। अब उस आईने को देखें कैसे, समझे कैसे, मैं अभी एक कार्यक्रम में था जंतर मंतिस में, तालकटोरा गार्डन, 23 मार्च आजादी के मुझे जाना था आगे कार्यक्रम, तो उसने क्या दिखाया, एक बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा, बड़ा रोशन, खुशबूदार एक पत्थर, इंसान रूपी पत्थर है वो पड़ा है, छेनी हथौड़ा भी रखा है। इतनी देर में एक इंसान आया, हरे कृष्णा भज गोविंदम, उसने देखा इंसान है, पत्थर है, बड़ा खुशबूदार है, कीमती है, इतना रोशन है, ये ऐसा क्यों है। उसने छेनी हथौड़ा लेकर 10 चोट की, भगवान कृष्ण आ गए, भज गोविंद, हरे राधे 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 करता चला गया। इतने देर में एक ईसाई आ गए, उसने कहा मैंने तो ऐसे इंसान की सूरत ना चर्च में देखी ना अपनी प्रेयर में देखी, ये कौन सा इंसान। तो उसने अपने ख्वाबों का इंसान गढ़ा, तो क्रॉस था, स्लीप पर ईसा लटके थे, यीशु महान है, सबको ईसाई बनाओ, करता हो चला गया, तेरी शरण में आएंगे सब चंगे हो जाएंगे।
इतने देर में एक सरदार जी आ गए, वो गया था, उसने ये कहां से आ गया इंसान, मैंने तो देखा नहीं ना गुरुद्वारे में ना गुरबानी में ना घर में। तो उसने सरदार जी ने हाथ खड़ा कर दिया मैं हूं। तो उसने भी छेने हथौड़ा चलाया तो गुरु नानक देव ना बन गए, उसने भी आगाज किया नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत। इतनी देर में वहां एक मुसलमान मौलवी आ गया, उसने ये कैसा इंसान, ना मेरी चर्च में है, खानका से वो बैर रखता था, उसको कुफर मानता था, इसलिए उसने कहा ना मेरे ख्वाब में, मैं हज भी गया तो वहां भी नहीं मिला ऐसा इंसान। उसने भी छेनिया थोड़ा चलाया, एक नमाजी बिठा दिया, अल्लाह अकबर करते चला। एक बौद्ध आया, एक जैन आया, एक राधा स्वामी आया, एक निरंकारी आया, एक ब्रह्म कुमारी आया, एक योगी आया, सबने छह इंसान पर छेनी हथौड़ा चलाया और अपने अपनी मुहूर्त बना दिया। अब उसको बेचारे को इतनी चोटें पड़ी, इतनी चोटें पड़ी, कुछ वक्त जब कोई नहीं आया वो फिर से पत्थर हो गया। अब उसी समय में वो दूसरा सीन दिखाते हैं, ये सारे ही आ गए, अब अपना अपना इंसान ढूंढना शुरू कर, अपना किसी को मिले नहीं, अब क्या करना। देखिए बुराई सिखाई नहीं जाती दुनिया में, आपने जैसे कवि और शायर के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं देखा, ऐसे गाली देने वाला कोई इंस्टीट्यूशन दुनिया में नहीं है जहां गाली देना सिखाया जाता। पर कौन माई का लाल है जिसको गाली देना नहीं आता, देते नहीं वो अलग, अगर कंपटीशन रखते हैं तो हर एक बढ़िया बढ़िया दे सकता है, मैं भी दे सकता। भाई और बहनों दोस्तों, गाली देना सिखाया नहीं जाता, बुराई सिखाई नहीं जाती, बुराई अपने आप, अच्छाई सिखाने पर भी बड़ी मुश्किल जाती है। जो लोग अच्छा सिखाने से रुक जाते हैं वो कैंसरस होते हैं सोसाइटी पर भी फैमिली पर। तो इसलिए अब सबने कसूरवार ढूंढना शुरू किया, सबने एक दूसरे को कसूरवार बताया। अब वहां आप जैसा कोई शायर होता तो कुछ समझा समझो के अमल ले आता, पर कोई था नहीं, सब लड़ने के लिए लंगर लगोट कसे हुए थे, जख्मी हुए, बेहोश होकर गिर गए। अब उसके बाद इस महफिल से उठकर कुछ लोग जा रहे होंगे उधर, उन्होंने कहा इतने इंसान है जख्मी है बेहोश पड़े हैं, दो चार वैसे बेचारे बैठे थे वहां, पूछा ये क्या हुआ, उन्होंने कहानी बता दी। उन्होंने कहा फिर हम घड़ते हैं, मालिक साहब रहम करो, इसको बेचारे को इतनी मार पड़ी है, इसको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप इस पर मेहरबानी करो, इसको ऐसे ही रहने। नहीं, खैर उनमें भी जज्बात थे, उन्होंने छेनी हथौड़ा लाया और एक उसमें से नक्शा हुआ हिंदुस्तान, तिरंगा उसके हाथ में था, और उस स्टोन में से ये घड़ते ही एक स्वर लहरिया और एक शायरी उभरी, हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। इसकी जब खुशबू पहली तो जख्म थोड़े भर गए जो उसमें दिखाया, और बेसुध होश में आ गए और जोर से चिल्लाए हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों मालिक ने एक पहचान दी है किरदार से और दूसरी पहचान इंसान को दी है उसके वतन से। मजहब से जात से नहीं, अमेरिका के आदमी को मजहब जात पार्टी से नहीं आता, चीन के भी नहीं करता, रूस के भी नहीं करता, इटली के भी नहीं करता, फ्रांस के भी नहीं करता, इंग्लैंड के भी नहीं करता, अरब के भी नहीं करता, तुर्किस्तान के नहीं करता, जिस मुल्क से जो इंसान आता है उसी से उसको याद किया। एक छोटा सा टेस्ट करते करते मैं अपने भाषण को समाप्त कर लिया। इस शायर को क्यों जिंदा रखना चाहिए, वहां कंक्लूड वो ये है, पहचान वतन से। इसलिए अमेरिका के आदमी को अमेरिकन कहते, कोई कैथोलिक प्रोटेस्टेंट नहीं कहता, अरब के आदमी को अरबी कहते हैं, तुर्क के आदमी को तुर्की कहते हैं, कोई शिया सुन्नी अहले हदीस अहले सुन्नत नहीं कहता, हनफी साफी नहीं कहता। उनके 239 फिरके हैं, इस्लाम के 72 फिरके,
चीन से जापान से वियतनाम के आदमी को कोई बौद्ध नहीं कहता, महायानी थ्योरवादी उनके भी 18 फिर ये कहते सब चीन नहीं है, जापान नहीं है, वियतनाम। इटली के, फ्रांस के और ब्रिटेन के आदमी को कोई नहीं कहता, फ्रेंच कहते हैं, इटालियन कहते हैं, ब्रिटेन ब्रिटिश कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं। और इसलिए मालिक ने दूसरा रास्ता बताया जन्नत का, हुब्बल वत्वे मिस्बे, हुब्बल वत्वे मजबे इंसान रब्बी के, मजहब से जन्नत नहीं है सर, वतन की मोहब्बत और कुर्बानी से जन्नत। अब जो वतन का भी नहीं और मां रूपी बीवी का भी नहीं, तो वो खुदा का भी नहीं, इस्लाम का भी नहीं, सनातन का भी नहीं, बौद्ध का भी नहीं, जैन का भी नहीं, इंसान नहीं, थोड़ा थोड़ा शैतान से। ये है हकीकत। इसलिए आजकल क्या हो गया, अब शायर के लिए भी तकलीफें बढ़ गई है। मैं रांची था, सर्वधर्म एक बैठक, विश्व भी आए हुए थे, भारत में 4 विश्व हैं, दुनिया में 249 विश्व हैं जो पोप को चुनते हैं, 4 का कस्टोडियन भारत है, 2 केरल में है, 1 मुंबई में है, 1 रांची में, वो भी थे। तो अब सारे थे वहां, पर प्रश्न खड़ा होता है, नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट होगा तभी हुब्बल वतनी होगी, हुब्बल वतनी होगी तो साहब झंझट खत्म करने का रास्ता है। फिर विदेशी कौन, हिंदुस्तानी कौन, ये समझने में तकलीफ नहीं रहेगी। दुनिया के किसी भी इतिहास के अंदर विदेशी और आक्रांताओं को अपना महापुरुष माना है। गिव मी एनी एग्जांपल इन द वर्ल्ड, पर हमने माना, दुनिया पूछती है मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, पर दुनिया के अंदर किसी देश ने, उनका सामने है बिल्कुल, साहब जो हमारा है वो हमारा है, जो हमारा नहीं है नहीं, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है बुरा है, गलत है। कभी कभी मैं और आप भी गुस्से में कहते हैं मैं अनफिट आदमी हूँ क्योंकि मेरा गृहस्थ नहीं है, आपके तो औलाद है, तो इसलिए किसी किसी औलाद के लिए आप कभी कभी बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं मालिक ऐसे सब को, पर कभी कभी आपके घर हम भोजन के लिए चाय के लिए आते हैं तो चेहरा देखकर लगता है कुछ गड़बड़ है, तो बाद में पता लगता है कहते हैं उस एक संतान से बड़े दुखी है, कह रहा साला पैदा ही ना होता तो अच्छा, पर प्रोपरेटर राइटर तो वो भी है। सजदा तो मैं और आप भी करते हैं, पर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय या वंदे मातरम, एक हिंद जय हिंद करते कि नहीं करते, ये झंझट है। तो इसलिए मालिक ने तो कहकर भेज दिया, पर मेरी और आपके समझ में आएगा तो समस्या का समाधान है, नहीं आएगा तो झगड़ तो रही है और झगड़। मालिक ने कहा कि 124,000 नबी पैगंबर भेजे हैं, हर संसार के मुल्क में भेजे हैं, सर जमी पर भेजे हैं, वक्त वक्त पर भेजे हैं, उनकी उम्मतें हैं, किताबें हैं, सबकी इज्जत फरमा, जिसने इन सब की इज्जत की वो सच्चा इंसान, जिसने नहीं की वो सच्चा शैतान। मालिक ने कहा देख तेरे किरदार के लिए भी इलम भेज रहा हूं, लकुम दीने कुम गले दिन, हर एक का दिन होगा तेरा दिन तेरा, उस पर चल, दूसरे के दिन की ना मजम्मत कर ना दखल दे, और उस दिन की भी इज्जत कर तो सच्चा इंसान हो जाए। पर किसकी हिम्मत है ये समझाएगा, क्योंकि शैतान से सबकी रूह कांपती है, कहता कौन मुसीबत मोल ले। पर मेरे सफर में ये सब है। अब भगवान ने
चेहरा थोड़ा खूबसूरत दे दिया, मुस्कान अच्छी दे दी है, मौन रहकर सुनने की आदत बना दी है, इसलिए सब जगह फिट हो जाता। कोई कश्मीरी मानकर फिट कर लेता है, कोई थाईलैंडी मानकर फिट कर लेता है। तो इसलिए इसको समझना। हरेक के पास इस बात का नजरिया है तू ठीक हो, और वो कहता मैं तो ठीक ही हूं। संकट तो यहीं से खड़ा होता है, और इसलिए अजीब सा है, और इस अजीब से को शायरी कैसे ठीक करेगी एक चुनौती। दुनिया के अंदर आज तक ये गाना तराना सच्चे झूठ में बना ही नहीं। सारे जहां से अच्छा, अमेरिका हमारा, रूस हमारा, चीन हमारा, इटली हमारा, फ्रांस हमारा, अरब हमारा, और रोम हमारा, ईरान हमारा, तुर्किस्तान हमारा, या चीन, जापान, रूस हमारा, अब बना दिया बनाने वाले ने, चाहे बाद में गड़बड़ हो गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, तो हमारा ठीक ठाक ही है, गड़बड़ मेरे में और आप। शायरी ने ये तो कह दिया, मजहब नहीं सिखाता बस बैर करना नहीं सिखाता, तो फिर आर्य समाज और सनातनी घूरते क्यों देखते रहे, फिर शिया और सुन्नी गर्दन क्यों गाड़ते, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट लड़ते क्यों। वो बेचारी एक अलग सा है। आप देखिए दुनिया की 56% पॉपुलेशन ईसाई, इस्लाम और यहूदी परमानेंट एट वार है कि नहीं, नफरत में है कि। जब दुनिया की 56% पॉपुलेशन हमेशा नफरत में है, तो क्या उस दुनिया के अंदर लव एंड पीस पॉसिबल है? पर इसको कहेगा कौन? किसी की हिम्मत है उसमें हाथ डाल दे? कम से कम ये जिंदगी तो गई उसकी, अगली मालूम नहीं है। इस्लाम में कहते हैं साहब फैसले के टाइम आएगा, इसलिए हजारों साल वहीं रहे। दूसरा कहता है देख तेरे किरदार के अनुसार पता नहीं कहां जन्म मिलेगा और कैसा मिलेगा। पर जब 56% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज परमानेंटली एट वार इन हेट्रेडनेस एंड हॉटनेस, हाउ यू कैन थिंक ऑफ द पीस इन द वर्ल्ड? अब ये भी प्रश्न खड़े होते। तो इसलिए मैंने जो उनकी रिश्तों की जो मेरे पास बनाने वाले ने भेजा, फिर जो मोहब्बत के लिए भेजा, तो गाना तो बड़ा अच्छा है, प्यार किया तो भाई हमारे यार आपने प्यार किया है तो डर डर के और बेईमानी से क्यों करना, साफ सुथरा कर। कभी कभी मेरे मन में आता है कि मेरे बाप ने अपनी मेरी माँ को 3 महीने बाद ही छोड़ दिया होता तो मैं तो साला पैदा ही ना होता। तो आप और मैं ये सोचे तो सही कि हमारे बाप ने हम अपनी बीवी को एकदम छोड़ दिया होता तो हम में से कोई पैदा हो सकता कि नहीं हो सकता? तो वो बाप हमारा दोस्त है कि दुश्मन? वो मालिक के रास्ते पर है कि मालिक से बेईमान? ये इसलिए नहीं मैंने सब बातें छेड़ी, इसलिए छेड़ी हैं दोस्तों, जब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पड़ते हैं तो थोड़ा सा नजरिए को और नजदीक लेना। इसलिए नहीं ले जाना होता आलोचना कर, इसलिए नहीं करना होता। आजकल तो कुछ नहीं हो गए, पहले तो इबादत के लिए अल्लाह अकबर बोलते थे, जय श्री राम बोलते थे, आजकल लड़ने के लिए बोलते। अब मैं जय श्री राम वालों कहता हूँ, इबादत के लिए कहा था आराम से, जब लड़ने के लिए थोड़ी दिया था। अब एक सत श्री अकाल, दूसरा जय श्री राम, तीसरा अल्लाह हू अकबर, चौथा यीशु इज ग्रेट। अब पहले ये इबादत थी, आज ये झगड़े के वाक्य हो गए। अब क्या करेंगे? अब जिनको समझाना है उनके समझाने के लिए हिम्मत किसी में नहीं, तो उन हम में हिम्मत नहीं है तो हम क्यों लड़े? हम तो समझदार हो सकते हैं। हम तो लड़ाने वालों को कह
तो इसलिए मेरा मेरे से भी है, इससे भी है, इससे भी है, उससे भी है, उससे भी है, सबसे और अपने आप से भी। चले तो मोहब्बत के लिए थे, अमन और सुकून के लिए, इंसान की जिंदगी मिली थी, फैसला कर लिया लड़कर ही निपटेंगे, ये नहीं चले। तो मुझे लगता है कि अगर नंदलाल जी को सच्चे मन से और सच्ची भावना से स्मरण करना है तो साहब नफरत नहीं मोहब्बत, मोहब्बत के लिए कीमत तो देनी। मैं अभी अमरोहा मुरादाबाद इधर के इलाके में था तो महफिल मुस्लिम देवबंद में भी गया और बीसी साहब की बड़ी इच्छा थी कि मैं देवबंद आऊं तो मैं गया भी था। ठीक में है, 2004 में जब बड़े मदनी साहब थे तब गया था पहले। मेरी और उनकी एक दोस्ती हो गई थी किसी महफिल में, तो मैंने उनसे पूछा आप मेरे से बड़े लगते हैं, मैं आपको क्या कहूं रिश्ते में। तो उन्होंने कहा तेरी जो इच्छा कह ले। मैंने कहा आप उम्र बता दो मैं फैसला कर। उन्होंने उम्र बता दी। मैंने कहा मेरे पिताजी से आप 7 महीने बड़े, मैं ताऊ जी को। तो जब तक जिंदा रहे तो हमने बेटे और ताऊ के रिश्ते में खट्टी मीठी सब गई। मैं तो सोच रहा था पोते का मिल जाए तो बाप दादे की कान भी मरोड़ा जा सकता है और झोली में कुछ भी किया जा सकता है, पर वो उम्र थी नहीं। मैंने वहां भी सफर किया, ऐसे बहुत किए। तो इसलिए मैं बैठे बैठे सोच रहा था वो शायर की सच्ची श्रद्धांजलि कौन सी हो। हम तय करें कि हम गलत में नहीं जाएंगे कुछ भी। तो मुझे लगता है कि हिजरत रसूल ने की थी मक्का शरीफ से, 39 दिन की यात्रा में वो मदीना शरीफ पहुंचे थे। उस मदीना शरीफ में उन्होंने सुलह की, फिर वो मक्का शरीफ आए तो पहला मैसेज तो उन्होंने यही दिया था, झगड़े से, जंग से, बहस से कभी फैसला नहीं होगा, सुलह तब होगी जब आप डायलॉग करेंगे, वार्ता करेंगे। शायरी यह है आदमी को आदमी के अंदर और आदमी को फैमिली में, मोहल्ले में, मजहब में, जात में, बरादरी में, मुल्क में और दुनिया में संवाद का रास्ता खोलती है जिससे समाधान। ये उस आदमी को सच्ची श्रद्धा। तो इसलिए समझ। और दूसरा, रसूल ने कहा जब मैं तनहा और तनाही में होता हूं तो मुझे सुकून की ठंडी हवाएं पूरब में जो हिंद नाम की सरजमियां को तो कभी आए नहीं वहां से आती। हम ऐसा हिंद थे, आज नहीं है ये भी पता, पर कल नहीं हो सकता ये तो कहीं नहीं लिखा। आइए शायर को वायदा करें, शायर हम वो हिंद बनाएंगे जो मोहब्बत वाला हिंद है, नफरत वाला नहीं है, जो दंगों वाला नहीं है, अमन सुकून तालीम तरक्की वाला हिंद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत 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 एक दो गाना गुनगुना लिया जाए, एक दो पंक्ति तो मैं एक दो कहूंगा वो गाएंगे सारे जहां से अच्छा। मैं पहली दो ही लाइनें गाने, एक दो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा। अब दूसरा गाएंगे हम होंगे, होना है ना पता। तो एक दो, एक दो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन पूरा है विश्वास, मन का है विश्वास, हम होंगे कामयाब। परिवार को बहुत बहुत बधाई है, उन्होंने इन संकटों के अंदर
इस अनमोल हीरे और उसकी अनमोल वाणी को बचाकर रखा। जिन्होंने इसको शक्ल दी उन सब के लिए तालियां बजाने में कंडीशन परिवार को लिए जिन्होंने शक्ल दी, क्योंकि ज्ञान को अमृत कहा गया, अमृत ज्ञान रूप में इंसान में ट्रेवल, तो इसलिए ज्ञान का भंडार है। और दूसरा, हम सब ने इस महफिल में शरीक हुए और अमन मान से सुना, इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। और मेरे जैसे शैतान को भी सुना और कॉम्रेड भी, अगर घर में कोई कह दे कि आप बड़े टेम्परामेंटली गर्म आदमी हैं, तो आप कह देना बेबी को या साहब को, भाई साहब इंद्रेश जी का इतना लंबा भाषण सुनाया फिर भी मुझे इंटॉलरेंट कहते थे। तो माई टॉलरेंस इज गोल्डन, मेरी टॉलरेंस कभी इंटॉलरेंट नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत मुबारक। ग्रामी, अब ये प्रोग्राम हमारा आखिरी मंदिरों तक पहुंच गया है। जो इस बेबी के साथ है आसिफ भी साहब, वो अपना खैरात का इजहार करेंगे और उसके बाद ये अब लोगों फाउंडेशन के सर से फरमान के सर भी इसको आपका इजहार करेंगे और शुक्रिया का शुक्र करेंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मैं जहां गुजार फरमान हैदर से सदर कमला फाउंडेशन और जनाब तकी अब्दी साहब, जनाब नरेश कायक साहब, जनाब सैयद सिद्दे हैदर साहब और जनाब सैयद जब्बार हैदर साहब से जो तशरीफ ले हैं। अब हम फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी मेरे ख्याल से करा रहे हैं। इसके बाद जनाब आसिफ आफ़ी साहब इस ब्लॉक की सदारत संभाल रहे हैं। आसिफ आफ़ी साहब, इसके बाद जनाब नैयर अली नकवी साहब आईआरएस प्रिंसिपल काउंसलर ऑफ द प्रोजेक्ट, जनाब जितेंद्र श्रीवास्तव साहब, प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव साहब, मोहतरम प्रोफेसर ऐसा गुंडा शुक्र लाही, अभी हम एक मुलन में मुंबई थे तो वहाँ अपने ईरानियन दो तीन पांच छह लोग आए, वही कहाँ है वो बुढ़िया, देखो इसके कारण महफिल बड़ी शांत है। लाओ बिटिया बाय। लेना तो चाहती है पर आए कैसे, इतनी आंटियां बैठी हैं और निकलेगी कैसे मुझे। और वो तुम बड़ी जब हो जाएगी तब सुनाओगे कि मैंने इसके लिए क्या कहा। बहुत
मैं आज के इस प्रोग्राम के सदर आली जनाब आसिफ आजमी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आप हजरात अपने अपनी सीट पर तशरीफ रखें। नहीं मुझे ये पता होता तो मैं कैसे बोल जाऊं। आप लोग प्लीज हैव ए सीट। आज के इस बज़्म के सदर जनाब आसिफ आजमी साहब से मदरखात गुजार हूं को तशरीफ लाएं और अपने खैरात का इजहार करें। मुझे जी आप सभी लोगों को आज की इस खूबसूरत शाम में मेरा सलाम नमस्कार। इतनी ज्ञान वर्धक इतनी प्रेरणादायक और आदरणीय इंद्रेश कुमार जी की हमने बातें सुनी। मुझे ये पता होता कि मुझे इसके बाद बुलाया जाएगा तो मैं पहले ही मना कर देता और मैं चाहता कि मैं पहले कुछ बोल लूं। मुझे तकी साहब ने कहा कि तुम्हें सदारत करनी है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, जहां लगा दीजिए वहां फिट हो जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं ये जिम्मेदारी है। मैंने कहा ठीक है, जिम्मेदारी तो मैं अदा करता हूँ क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ, कारकुन हूँ, लेकिन कई बार उम्मीदों का बोझ उठाना मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज सदारत की जिम्मेदारी तो अदा करूं, लेकिन आपकी उम्मीदें जो है कि ये कार्यक्रम जल्द से जल्द खत्म हो उसको भी पूरा करूं। आदरणीय इंद्रेश कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम के दूल्हा डॉक्टर सैयद तकी आब्दी साहब, जनाब नरेश नारंग साहब, नहीं उस पे तो बंदिश है बिल्कुल, शुक्रुल्ला इलाही साहब, अफर फारूकी साहब, नैयर साहब, फरमान साहब, पैगंबर नकवी साहब,
और तमाम मुअज्जज़ हाजरीन ख़वातीन की गुफ्तगू तो दिल की शगुफ्ता कली हुई, की गुफ्तगू तो दिल की शगुफ्ता कली हुई, नैरंग की जबान जबाने बहार है। क्या कहने सुबह बहार शाम बहार सलाम बहार सामाने बहार बयाने बहार खामोशी बहार कलामे बहार। क्या कहने नैरंग की पूरी शायरी बहार है, ये नैरंग खुद कहती है। और जब बहार और बसंत हिंदुस्तानी तहजीब में भारतीय संस्कृति में बसंत का बहुत महत्व है, हम बसंत के मौके पर माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, अंधकार मूर्खता भरे अंधकार से निकालकर रोशनी में ले जाने वाली देवी। तो नैरंग बसंत का शायर है, नैरंग ज्ञान का शायर है, नैरंग अंधकार रोशनी की तरफ ले जाने वाला शायर है। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां
मेरे साथ इस लेवल पे अन्याय हुआ, इस लेवल पे अन्याय हुआ, जहां ना इंसाफी हो मैडम कहते हैं लेकिन ये भूल हमारा ही हमारे और मैं तमाम लोगों से कहता हूँ जरा जरा की बात पे शिकायत शुरू कर देते हैं रोना शुरू कर देते जो जो आपस में हमें क्या है और उस मिट्टी का हमें कर धर रहा है वो दिन मेरे कि मजहब ईमान के कई हिंदू कई थे इनमें मुसलमान के कई इनमें कई जलील थे जीशान के कई सीने में एक दिल था और अरमान के कई अब सर जमीन हिंद का इंसान एक है शायर तो बेशुमार गुलिस्तान एक है अभी बातें भूलिए हिंदू और मुसलमान की हिंदी और उर्दू की तहजीबों के टकराव की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की ये आप ये हिंदुस्तान एक सच्चाई Thank you.